लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काली बद्ध काली कपालनी दुर्गा क्षमा सेवा जाती स्वाहा सदा नमस्ते ओम सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ। हे अंबे माते, आज मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। पिछले 10 सालों में मेरी बीवी 3 बार गर्भवती हुई और 3 बार उसने लड़कियों को जन्म दिया। अब 4थी बार मेरी बीवी गर्भवती है, इस बार उसे लड़का ही देना देवी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब की बार मुझे बेटा ही देना देवी, मुझे बेटा ही देना। जय दुर्गा माँ। आइए मम्मी, आइए आइए डैडी, आइए मम्मी, आइए मम्मी। मैंने शोभा से साफ साफ कह दिया है कि मम्मी अपने पोते को देखने आने वाली है। डिलीवरी हो गई? नहीं, डिलीवरी अभी तक नहीं हुई, लेकिन जब भी होगी ना, लड़का ही पैदा होगा। डिलीवरी से पहले तुम कैसे कह सकते हो कि लड़का ही होगा? अरे लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारी मम्मी शान से जीती है। जानते हो जब तुम्हारी मम्मी पैदा हुई थी तो लोगों ने क्या कहा था? लड़का पैदा हुआ है। चले? हाँ चलिए, आइए मम्मी, यहाँ बैठिए, अभी मालूम हो जाएगा। मिस्टर राम भटनागर। हाँ जी, मैं हूँ। आपकी वाइफ की डिलीवरी हो गई है। लड़का हुआ ना? जी नहीं, लड़की। मम्मी मम्मी, 2 मिनट रुक जाइए ना। डॉक्टर, आपको देखने में कोई गलती हुई है, प्लीज दोबारा चेक कीजिए ना। हमसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर आपको कोई शक है, नर्स इन्हें बच्चा दिखाओ। अब आप खुद ही देख लीजिए। क्या है? लड़की। मम्मी, डैडी, डैडी। अरे आ गए माँ जी, आ गए। आइए माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, किसका खत है? लक्ष्मण भैया का। लक्ष्मण। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, लगता है आज का मेरा दिन सफल हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ। तू अभी तक दुकान पे नहीं गया? जा रहा हूँ ना मम्मी, जा रहा हूँ। सुन, क्या है? तू अपनी बीवी से मिलने उसके घर गया था? हंस क्यों रहा है? आज क्या 1 अप्रैल है जो आप मुझे अप्रैल फूल बना रही है?
मैं और उसके घर में कदम रखूं? अरे हरगिज नहीं। एक तो उसने दो दो लड़कियों को पैदा किया, ऊपर से आपको पूछे बगैर अपने मायके चली गई। आप क्या समझती है इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसे चोरी छुपे मिलने जाता हूँ? अरे हरगिज नहीं। हट। वो 8 महीने पेट से है। ये देख, ये चिट्ठी भेजी है तेरी बीवी ने। अच्छा, ये उषा की चिट्ठी है? नहीं, तूने जो चिट्ठी लिखी थी ना, ये उसका जवाब है। बता क्यों लिखी थी चिट्ठी? मम्मी गलती हो गई मुझसे। मतलब तूने सिर्फ चिट्ठी लिखी थी, वहाँ जाता तो नहीं था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है? तो फिर क्या तुम्हारी बीवी बाई पोस्ट प्रेग्नेंट हो गई है? डैडी, आप ही क्यों मरे हुए को मार रहे हो? इससे पहले कि उस बदचलन औरत की वजह से इस खानदान की नाक कटे, तू उसे तलाक दे दे। मम्मी मेरी बात तो सुनो। डैडी डैडी भरत आ ना। क्या बात है मम्मी, किसने बुलाया मुझे? हम लोग पेप्सी यूथ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे। तेरी पूरी जिंदगी नाचते गाते ही बीतेगी क्या? क्या कभी घर बसाने की भी सोचेगा तू? अरे घर तो बस जाएगा मम्मी, लेकिन आज कॉम्पिटिशन में जीतना है मुझे। कॉम्पिटिशन में जाने से पहले आज तुझे किसी के घर जाना है। किसके? नाना जी समझाएंगे तुझे। क्या बात है नाना जी, किसके घर जाना है मुझे? बेटा बात यह है, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार आज 4 बजे के बाद जिस लड़की से तू मिलेगा वो तेरी पत्नी बनकर इस घर की बहू बनेगी। नाना जी हाँ, आप अपनी ज्योतिष विद्या का चक्कर मुझ पे क्यों चलाना चाह रहे हैं? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं करता, मेरी ज्योतिष विद्या करवाती है। तू एक बार इस कन्या की तस्वीर तो देख ले। ये क्या कर दिया तूने बेटा? वही जो मुझे करना चाहिए था। नाना जी आप अपनी ज्योतिष विद्या से मेरे दो बड़े भाइयों को बड़ी तरह से बर्बाद कर चुके हो, अब आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे बेवकूफ, तुम्हारी माँ तो सिर्फ तुम्हें शादी करने के लिए कह रही है, कोई जहर खाने के लिए तो नहीं कह रही ना? अरे अगर जहर खा जाना है तो मैं हंसते हंसते खा लूंगा, कम से कम चैन की मौत तो मरूंगा। लेकिन डैडी कहीं अगर मैंने शादी कर ली और कहीं मेरी बीवी को मेरे दो भाइयों की बीवी की तरह बेटी पैदा हो गई तो मेरी माँ ने तो मेरी बीवी को फ्राइंग पैन के अंदर मछली की तरह तल देना है। देखो बेटा, जैसे हर बीमारी का इलाज होता है ना, इस बीमारी का कोई नहीं है। है क्या? तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर लो जिसका पहले से ही बेटा हो। क्या मतलब? देखो बेटा, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो चैन से रह सकोगे ना। भरत,
तबा तबा आंखों की होय ये मस्तियाँ, तबा तबा आंखों की ये मस्तियाँ, काले काले जुल्फों की ये बदलियाँ, इनको बिखर जाने दे तू दिल रुबा, इनको बिखर जाने दे बहुत अच्छा रहा पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? बेटे, जिस बाप की जवान बेटी इतनी रात गए घर से बाहर हो, तुम क्या समझती हो उसे नींद आ सकती है? देखो बेटे, हम गरीबों के पास एक ही दौलत है, इज्जत। पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसे आपका सर शर्म से झुके। जानता हूँ। मैं एक बात कहूँ? कहो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। हाँ हाँ बेटे, मुझे अपना दोस्त समझो, दुश्मनी करोगे तो भांडा फोड़ दूंगा। क्या कर रहा है मेरे बाप, दो दिन की मेहनत पे क्यों पानी फेर रहा है मेरे बाप? कहां तक पहुंचे? सुबह से पहले पिंजरा तोड़ के निकल जाऊंगा। शाबाश, मेरा एक काम करोगे? ना कहूंगा तो भांडा फोड़ दोगे? समझदार हो। बोलो काम क्या है? तुम्हें एक किताब नेशनल लाइब्रेरी से लेकर होटल सवाई के रूम नंबर 303 में पहुंचाना है। मगर मैं उस किताब को पहचानूंगा कैसे? लाइब्रेरी में घुसते ही दाहिनी तरफ के रैक में रखी हुई चौथी किताब है। क्या है उस किताब में? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। पैसे कितने मिलेंगे? 50,000। 50,000? अरे 50,000 में तो मैं पूरी लाइब्रेरी बाहर रख दूं साहब। तो डन 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 डन। अरे मेरे सामने जेल तोड़ के भागता है। बाय। कहिए, किससे मिलना है? आपसे। आप हनीफ का इंतजार कर रहे हैं, मैं हनीफ से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा जी, अंदर आइए। हाँ जी। हनीफ कहाँ है? हनीफ पुलिस की हिरासत में है। पुलिस मतलब? घबराने की कोई बात नहीं, आपका काम हो गया है। तुम्हें कैसे मालूम? हनीफ ने मुझसे कहा है, ये किताब एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से 50,000 रुपए लेना। पहले किताब दो। पहले पैसे? पहले किताब। ठीक है। हेलो, थैंक यू, थैंक यू। डोंट मूव, होल्ड इट। मुझे क्यों मार रहे हो? हीरे स्मगलिंग करने के जुर्म में। मुलायम चंद जी, अगर आप हमारी मदद ना करते तो ये हीरे हमारे हाथ कभी नहीं लगते। थैंक यू।
मुलायम चंद जासूस जब भी कोई काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। मशहूर जासूस मुलायम चंद का नया कारनामा। अरे वारे मेरे गोबर के शेर। मल्लू, ए मल्लू। अरे क्या सुबह सुबह मुर्गे की तरह बांग लगा रहा है? अबे तू कितना छुपा रुस्तम निकला। अबे अखबार में तस्वीर देखी तूने अपनी? एक पेपर में नहीं, एवरी पेपर ऑफ द कंट्री। अरे कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्त। हाथ निकालो और कायदे से खड़े रहो। अच्छा, डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली। अबे डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली, जरा सी इज्जत कर, दिमाग खराब हो गया तेरा। दुनिया भर में इतनी इज्जत कमाने के बाद तेरे सामने दो कौड़ी का हूँ, जरा सी इज्जत नहीं कर सकता तू मेरी? देखे देखी ना इज्जत तेरे को मैंने। अरे सुबह सुबह तुम दोनों फिर लड़ने लगे। अरे हेमा ये सोचता है कि जो कुछ भी किया है सब इसी ने किया है। नहीं आपने किया है। अरे इसके नसीब ने किया है, जब से शादी करके आई है नसीब बदल गया तेरा, बिगड़े हुए नसीब के। अरे भैया तो आप भी जल्दी शादी कर लीजिए, आपके भी भाग्य बदल जाएंगे। ये मुझ पर ही शुरू हो गई। क्यों ना शुरू हो, तुमने हमारा साथ देकर हम दोनों की शादी करवा दी, अब हमारा भी फर्ज बनता है जल्द से जल्द तुम्हारी जल्द से जल्द बर्बाद कर दो। हाँ कर दो, दोनों मिलकर कर दो। वाह वाह क्या आदमी है यार, जब भी शादी की बात करता हूँ ऐसे भाग जाता है। मुझे तो लगता है इसका कुछ चक्कर है। क्या लगता है, शादी भी कर ली होगी और बच्चे भी पैदा कर लिया होगा और माँ के डर से बता नहीं रहा होगा। अरे सुनिए, सब समझता हूँ मैं। चुप कीजिए आप, बाहर तो बाहर घर में भी जासूसी शुरू कर दी आपने, तंग आ चुकी हूँ मैं आपसे। मुलायम चंद जासूस, इसका पता लगा। तुमने आज भी मेरा वो काम पूरा नहीं किया। बहू, अरे दुर्गा जल्दी बाहर आओ, देखो बहू आई है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अरे 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 अरे, चलो। अरे बहू बेटी लेकर आई है, चलो आरती उतारो। आरती क्या, ड्योढ़ी पे तेल भी डाल देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, साक्षात भगवान के अवतार को घर लेकर आ रही है ना। मम्मी बेटी पैदा होते ही आप सास क्यों बन जाती हैं? इसलिए कि खानदान को बर्बाद करने के लिए तू बेटी पे बेटी पैदा किए जा रहा है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी, घर को एक चिराग देने के चक्कर में मैं फैमिली प्लानिंग भी भूल गया और इन चार चार लालटेनों का बाप बन गया। अपनी माँ से बेकार की बहस मत करो और बहू को लेकर अंदर जाओ। चलो शोभा। हरगिज नहीं, मैं इस मनहूस के कदम अपने घर में नहीं पड़ने दूंगी। राम आज से तू उस घर में रहेगा। नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मेरा भी तो हक है ना इस घर में। ये घर मेरा है, तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया। मुझे पोता चाहिए, अपने कुल का दीपक। जिस दिन वो पैदा हो जाएगा मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझे? डैडी, डैडी मम्मी। देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला एक बार बदल सकता है लेकिन तुम्हारी माँ नहीं। इस वक्त तुम बहू को लेकर वहीं चले जाओ, जैसे ही तुम्हारी माँ का बुखार उतरेगा मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो बच्चा ला। ये मकान और जायदाद हासिल करने के लिए मैं पांचवी बार कोशिश करूंगा और इस बार मैं लड़का पैदा करके ही रहूंगा। चलो शोभा। अबे आस्ते चला बे, बर्दाश्त नहीं होते झटके, सिग्नल तोड़ दो तो पड़ते हॉलदार के फटके। एक लोकल कॉल करना। अरे आप यहाँ? हाँ उस दिन मैं आपको प्रोग्राम में मिली थी ना। देखिए मैं तो सैकड़ों प्रोग्राम करता रहता हूँ, आप कौन से प्रोग्राम की बात कर रही हैं? मुझे एक फोन करना है। फोन कहाँ है? वहाँ। आ थैंक यू। हेलो जेके एक्सपोर्ट। हाँ मैं भरत भटनागर बोल रहा हूँ भाई। भरत भटनागर? कौन भरत भटनागर? द बेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री, आवाज नहीं बजानते? हाँ हाँ ठीक है माफ किया। हाँ सुन, अबे उल्लू के पट्टे, तूने जो लड़की भेजी थी ना उसे कुछ आता जाता नहीं है, सारे गांव में पता नहीं साबे नहीं आता। लड़की? कौन सी लड़की? अबे तो है कौन ठरकी,
है मिस्टर, तुम्हें नंबर कौन सा चाहिए? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, मैं इस तरह की बिसरी लड़कियों को अपने ट्रूप में नहीं रख सकता। आफ्टर ऑल मेरी इज्जत का सवाल है यार। बकवास बंद करो ब्लडी फूल। ओ यू शट अप इडियट, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो अबे समझा कर यार, मैं इस तरह से कोई भी वॉइस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली इट इज बैड वॉइस। तुमको मालूम है इस महीने में कितने प्रोग्राम है मेरे? 20 प्रोग्राम्स, 20। अमेरिका में। हां नो वे, जब तक मैं खुश नहीं हो जाता तुम लड़कियां भेजते रहो। मुझे अच्छी सिंगर चाहिए। आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रोग्राम अनलेस यू सैटिस्फाई मी, एंड प्लीज कीप सेंडिंग द गर्ल्स। ओके नो नथिंग, नहीं नो 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 नो। परेशान कर देते हैं। ओ प्रिया, हाँ राइट, मैं आया तो मैंने सोचा कि ये कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं, राइट? और आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ मिलूंगी। करेक्ट। अगर मैं चाहूँ तो आप मुझे अपने ट्रूप में चांस भी दे सकते हैं। Oh, well, I don't mind. लेकिन मेरे दिल की बात तुमने कैसे पहचान ली प्रिया? देखिए मिस्टर, आपका ये नाटक मैं सब समझती हूँ। पैसे रखिए और जाइए। प्रिया तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रही हूँ। पैसे रखिए और जाइए। प्रिया मुझे तुम बहुत ही गलत समझ रही हो। कच्चू भैया, कच्चू भैया, सॉरी भैया, कच्चू भैया। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तूफान आ गया हो। अरे तूफान नहीं, जलजला आ गया है, तब उथल पुथल होने वाला है। अरे साफ साफ बताओ मामला क्या है? मामला नहीं, हमला हुआ है। आपके ससुर, बीवी और बच्चों का उषा भाभी के गर्भवती होने का लफड़ा है। क्या? कैसी हो तुम? अरे रानी, स्कूल में जाती हो ना? लच्छो जी। मम्मी इधर आ। आता हूँ। क्या मम्मी? तेरे ससुर का कहना है कि तो रात को छुप छुप कर उषा के घर उसे मिलने जाता था, और उसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा है। अब बता दे इन्हें कि सच्चाई क्या है, और कह दे कि चले जाए यहाँ से। ठीक है मम्मी। उषा, ससुर जी आप चले जाइए यहाँ से। तू है तुझ पर, अबे कैसा मर्द है तू? तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने बीवी की कोख में पलने वाली औलाद को अपना कह सको? मैंने कब कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है? सुन लिया? क्यों रे, तू मुझसे झूठ बोलता है? मुझसे? मम्मी वो क्या है कि मैं अब आ क्या थे? चला बेटी। उषा, उषा मेरी बात तो नालायक का बेटा नालायक ही होता है। जा जाओ अंदर जा। तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने कहा है, मैंने सुना है। मेरे बाप, मैंने कुछ नहीं कहा। देखो तुमने क्या कहा है, बता दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। मैंने कहा है अंदर घुसो। घुसो कहा? हाँ। दुर्गा बेटा भागता कहा है, भागता कहा है? आ जा घर पे, अगर आज तेरी चंपी ना करवाई तो मेरा नाम भी भीमा शंकर नहीं। मेरे दादा बाबा बाबा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक रुक। यार तेरा कुछ समझ में नहीं आता यार, कल भी तूने यहाँ गाड़ी रुकवाया और यहाँ से फूल हो गया, तेरे चक्कर क्या है? अरे चक्कर नहीं है, मुझे एक फोन लगाना है यहाँ से। तो मेरे ऑफिस से कर लेना। अबे यहाँ से जल्दी लग जाएगा, समझा कर, यहाँ पर हॉट लाइन है। हॉट लाइन है, खाट लाइन है। गुड मॉर्निंग, एक फोन लगाओगी आप जरा? देखिए आपका नंबर यहाँ से नहीं लगेगा, कहीं और जाकर ट्राई कीजिए। मगर आप मिलाने से पहले इनकार क्यों कर रही हैं? मिस्टर आप चाहते क्या हैं? गाना, गाना चाहता हूँ। क्या आप फोन पर गाना गाना चाहते हैं? हाँ, नहीं मेरा बोलने का मतलब है मैं चाहता हूँ, मैं आपको अपने साथ गवाना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। दुनिया का इतना बड़ा सिंगर आपको अपने साथ गाने की ऑफर कर रहा है और आप इनकार कर रही हैं? हाँ, हाँ। देखिए दरअसल मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है, एंड आई लाइक यू। क्या कहा? या आई लाइक यू। ए मिस्टर, अब यहाँ से जाते हैं या नहीं? नहीं, आई लाइक यू। क्या हुआ बेटी? ये महाशय मुझे छेड़ रहे हैं, अपने साथ गाना गाने के लिए कह रहे हैं। क्या कहा तूने? गाना गाने के लिए। देखिए महाशय, मेरा एक म्यूजिकल ट्रूप है और मैं चाहता हूँ कि उसमें एज अ सिंगर ही आ जाए, उसमें क्या बुरी बात है? ये कब से चल रहा है तेरा ट्रूप? काफी दिन हो गए, बचपन से ही। इस ट्रूप में आज तक कितनी लड़कियों को शामिल कर चुका है? वेल, काफी लड़कियों को लिया, बहुत सारी लड़कियों को ब्रेक दिया है। बहुत लड़कियों को ब्रेक दिया है, आज मैं तेरे को ब्रेक देता हूँ। निकल, ब्रेक देने का क्या मतलब है? अरे धक्के दे दे, मारो इसे। अरे
ये अंदर घुसकर लड़की को छेड़ रहा था। लड़की को छेड़ रहा था ए, मैं उसको छेड़ नहीं रहा था, मैं उसको अपने ट्रुप में शामिल होने के लिए कह रहा था। पूछो उसको, दिखने में तो बड़ा शरीफ लगता है। अबे मैं हूँ बड़ा बदलू समझता है अपने आप को। गला छोड़, गला छोड़, गला छोड़, गला बैठ जाएगा मेरा। शाम को मुझे शो कर रहा है, गाना गा रहा है। गाना नहीं रोना सुनेंगे सब लोग। क्यों मारे हो? अरे लड़की को छेड़ रहा था। चुप। ये क्या छेड़ेगा? इसके लोग छेड़ते चिढ़ाते हैं, पत्थर मारते हैं। अरे ये क्या हिला हुआ है? अरे हिला हुआ, एक जमाना था जब ये हिल हिल कर स्टेज पर गाता था, मगर पिछले दिनों टीवी पर बेजू बावरा क्या देख लिया, हिलने के साथ साथ थोड़ा खसक भी गया है। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हाँ ये हमारा और तुम्हारा रहेगा मिलन। बस उसी दिन से तानसेन, भीमसेन, जमालसेन, असितसेन अपने आप को समझने लगा है। मैं इसकी तरफ से आप लोगों से माफी चाहता हूँ भाइयों, जाइए आप लोग प्लीज। चलो 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 भाइयों चलो। अच्छा फिर आया? क्या कहा उसने? कहने लगा मेरे ट्रुप में शामिल हो जाओ, हम दोनों मिलकर गाना गाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। और उसने कहा नहीं जाऊंगा। मैं चिल्लाई और मालिक ने आकर उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उसकी खूब पिटाई कर दी और उसने पागलपन का नाटक करके गाना गाते हुए भाग गया। और पिताजी आपको देखना था वो गाना। नमस्ते। ओ, तो तुम ही हो वो ट्रूप? हाँ जी हाँ, मेरा एक म्यूजिकल ट्रूप है और काफी मशहूर भी है। अच्छा हुआ तुम आगे, वरना मुझे आना पड़ता। जी जी, मैं बैठ सकता हूँ? बैठो। थैंक यू वेरी मच। एक लड़की को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जी मैंने किसी को परेशान नहीं किया। देखो हम अपनी मजबूरी की वजह से हमारी जवान बेटी से नौकरी करवाते हैं, अगर तुम वहाँ जाकर इसे तंग करोगे तो इसकी नौकरी चली जाएगी। माँ जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ प्रिया से ये कहने गया था कि मेरे ट्रुप में शामिल हो जाए। नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे घटिया ट्रुप में शामिल नहीं होगी। माँ जी ना ही मैं घटिया हूँ और ना ही मेरा ट्रुप। मेरा नाम भरत भटनागर है और मेरी माँ का नाम श्रीमती दुर्गा देवी, शायद नाम सुना होगा आपने। सुना है। दरअसल मैं प्रिया को अपनी गृहलक्ष्मी बनाना चाहता हूँ। क्या? देखिए कोई जल्दी नहीं है, जो भी फैसला कीजिएगा बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, मगर इतना जरूर याद रखिएगा कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। एंड आई लाइक प्रिया वेरी मच। जी नमस्कार। अच्छी है, देखिए तो पिताजी। सुंदर, अति सुंदर, नए नक्श भी अच्छे हैं बच्ची के, तुम भी देखो बेटा। सुंदर है, बहुत सुंदर है। माँ जी ये मेरे दोस्त की छोटी बहन है। अच्छा अच्छा। मैंने भरत से कई बार कहा है आप लोगों से बात कर लें, पता नहीं उसने आप लोगों से क्यों नहीं बात की, इसलिए मैं खुद चला हूं ये रिश्ते की बात करने। लगता है तुम्हारे जासूसी का धंधा नहीं चल रहा है, इसलिए मैरिज ब्रोकर का धंधा शुरू कर दिया क्या? वो क्या है, शादी के बाद घर का खर्चा बढ़ गया है ना, इसलिए साइड में साइड बिजनेस शुरू कर रहा है। और आप लोगों का भी साइड बाय साइड चल रहा है कि उसकी शादी ना हो ना उसका घर बसे। अरे इन बेवकूफों के चाहने से मेरा बेटा कुंवारा थोड़ी ही बैठा रहेगा। बस अब देखना ये है कि छोटू को ये लड़की पसंद आती है या नहीं। जी जी जी। अरे मल्लू तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले। कमाल है, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। क्या बात है, घर में सब चुप क्यों? सबको साफ सुन गया क्या? छोटू तेरे लिए रिश्ता आया है बेटा, देख तो। अरे मम्मी मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। देखा देखा क्या कहा छोटू ने, तू जा अब यहाँ से जा। देखो हम भरत की शादी उसकी मर्जी के बिना होने नहीं देंगे। अरे उसे बड़ा गायक बनना है, शादी करके थोड़ी ना जिंदगी बर्बाद करनी है उसे। देख छोटू तू फिक्र मत कर, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अगर ऐसी बात आ गई ना तो हम दोनों भाई मिलके तेरी शादी रोक देंगे। बकवास बंद करो। अरे अभी शादी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? 3-4 महीने के बाद करूंगा। क्यों मल्लू? जल्दी हो जाए। अच्छा अच्छा बेटा तू लड़की की तस्वीर तो देख ले। अरे मम्मी अगर तुमको लड़की पसंद है ना तो समझ लो मुझे भी पसंद है। नहीं पर मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद है ना तो मुझे पसंद है, बस हो गया हो गया हो गया। देखा ये है मेरा लायक बेटा,
मम्मी की चमचागिरी कर रहा है। बेटा मुलायम, ये कन्या रहती कहाँ है? यही पास में रहती है, शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर? मम्मी जरा फोटो दिखाइए। हाँ, ये 5 नंबर ब्लॉक में रहती है ना? हाँ मम्मी, ये तो टेलीफोन बूथ पे काम करती है। क्या? हाँ ये टेलीफोन बूथ में काम करती है। हाँ माँ जी, लेकिन लड़के के माता पिता चाहते नहीं कि वो बेकार घर बैठी रहे। झूठ झूठ बोल रहा है मम्मी, ये लोग बहुत गरीब है। अरे मल्लू, तू तो छोटू का दोस्त है, तुझे तो हमें धोखे में नहीं रखना चाहिए। मम्मी मेरी बात का यकीन कीजिए, पिछले 3 महीने से ये लोग मेरी दुकान से उधार सामान ले जा रहे हैं, अभी तक बिल चुकाया नहीं है। क्या ये सच है? हाँ माँ जी, क्या है कि वो लोग कुछ तकलीफ में है, लेकिन है बड़े खानदानी है और लड़की को खाली हाथ थोड़े भेजेंगे। ठीक है, क्या देंगे दहेज में? दहेज में बोलते कुछ भी, दहेज में कम से कम 2 लाख रुपए तो देंगे। अरे 2 लाख में आजकल झोपड़ी भी नहीं मिलती। मम्मी, ऐसी लड़की को इस घर की बहू मत बनाइए जिसके घर में पहले से ही भूख मरी फैली है। देखिए, उनके घर में खाने को कुछ कम है, उसमें लड़की का क्या दोष है? और हमें कौन सा भरत को उनके घर भेजना है? हमें तो लड़की को हमारे घर लाना है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि भरत की शादी उस लड़की के साथ हो तो साफ साफ कह दीजिए, मैं तो चलता हूँ। हाँ तो माँ जी, चलता हूँ मैं फिर। जाओ ना। तो जाऊँ मैं? तो जाना। रुको मल्लू, वैसे हमें लड़की पसंद है और भरत को भी, बस हमें कुछ सोचने का वक्त चाहिए, है ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छी बात। देखिए बाबूजी, भरत के दोनों भाइयों को दहेज में इतने गहने मिले हैं, अगर प्रिया खाली हाथ भरत के घर जाएगी, प्रिया को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक बहू को मिलनी चाहिए। इसीलिए आप अपनी तरफ से शादी में ये गहने दे दीजिएगा। नहीं बेटे, ये धोखा है, बेईमानी है, ये गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे जिंदगी भर मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहे। बाबूजी, इस कलयुग में आप सतयुग की बातें क्यों कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो वाई। इस देश में नेता लोग बड़े बड़े घोटाला कर रहे हैं, इस फैमिली में छोटा सा घोटाला कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए मिस्टर मुलायम चंद जासूस, ये अपना मशवरा अपने पास रखिए। जी रख लिया। मल्लू दोस्त, ये गहना किसके हैं? तेरे हैं। मैं कौन हूँ? प्रिया का होने वाला पति। और शादी के बाद ये गहना किसके पास रहेंगे? प्रिया के पास। प्रिया कहाँ रहेगी? तेरे घर में। और गहने कहाँ रहेंगे? वो भी तेरे घर में। तो प्रिया के गहने प्रिया को देकर बाबूजी कौन सा गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो तू समझाता क्यों नहीं है? समझा रहा हूँ। आप समझदार आदमी है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर रहने सकते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, प्लीज समझा कीजिए, वरना मुझे पागल कर देगा, मैं आपके पास। ठीक है समझ गया मैं। देखो बेटे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम भयो हरे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। और तुम्हें अपने बच्चों की मम्मी बनाऊंगा। डार्लिंग, एक बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया यार, समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कहूँ कि नहीं। क्या बात है? जाने दो यार, तुम बुरा मान जाओ। अरे आपको जो कहना है मुझसे कहिए ना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। सोच लो ठाकुर। सोच लिया, बोलिए ना। देखो, ये हिंदुस्तानी औरतें फिरंगी औरतों के मुकाबले में डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, इंजीनियर बन गई, जज बन गई, चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर भी बन गई, मगर आज भी एक मामले में फिरंगी औरतों से बहुत पीछे है। What is that? They are backward, man. Hello, don't underestimate us. हम हिंदुस्तानी औरतें इन तिरंगियों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, ना ही बैकवर्ड हैं। वो जो कर सकती हैं, हम उनसे अच्छा कर सकती हैं। You swear? I swear. Don't challenge me, baby. You'll be problem. पहले काम तो कहिए। अरे काम तो मैं तुमको यू बोल दूं, लेकिन मुझे मालूम है कुछ फायदा नहीं है, वो काम होने वाला नहीं है, because you belong to that backward category. Excuse me. बस से। You will say? वहाँ देखो। अब यहाँ देखो। चुमा ले सकती जैसे वो औरतें ले रही हैं। शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आती है, मगर इस बात की कि वाकई हिंदुस्तानी औरतें इन गोरी औरतों से बहुत पीछे रह गई हैं। अरे ओ गोरी, अरे देखो ये हिंदुस्तानी औरत आपके सामने हार मान गई है, हम लोग ये मैच हार चुके हैं बगैर खेले ही। हिंदुस्तान ना कभी हारा है ना हारेगा, वो जो कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ।
घूंघट उठाया तो मुंबई की सांस रुक गई। धुन चलिया मेरा चुम्मा तो पटना में आग लग गई। क्या हुआ? अपने वो नदी पार वाले शीशम के पेड़ थे ना, वो गायब हो गए। हाँ लगता है कुछ दिन पहले किसी ने काटे हैं। हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए, पुलिस फौरन चोर को पकड़ लेगी। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का क्या फायदा है, जो होना था वो हो गया। मम्मी आप भूल जाइए इन बातों को। अरे यहाँ 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तू कहता है कि भूल जाओ। देखो तो पिताजी आप ध्यान लगा कर चोर का पता लगाइए। मुझे परशुराम दिखाई दे रहा है। परशुराम? चोरी करने वाला कोई इसी घर का आदमी है। घर का आदमी? जिसके हाथ में हथियार है। हथियार? इस घर में हथियार किसके पास है? सुबह से भटकता रहा, एक कबूतर भी हाथ नहीं लगा। शीशम के पेड़ आपने किसको बेचे? शीश महल? अरे जब मैंने शीश महल बनवाए नहीं तो बेचूंगा किसे? मैं शीशम के पेड़ों की बात कर रही हूँ जो फार्म से गायब हुए हैं। बताइए
किसको बेचे आपने? ओह, वो पेड़। हाँ, तो ऐसी बात करो ना। वो क्या है दुर्गा, कि मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहता था। मैंने किसी से 2 लाख रुपए कर्जे में लिए थे और उसी कर्जे को चुकाने के लिए मैंने वो शीशम के पेड़ बेच दिए। अब तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो, चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकती हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, शर्म नहीं आती आपको? जिस दिन से आपसे शादी की है मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। डैडी, आपने मेरा गुनाह अपने सर लेकर ठीक नहीं किया। देखो बेटा, अगर मैं ये इल्जाम अपने सर पर नहीं लेता तो तुम्हारी मां के गुस्से की बिजली तुम पर नहीं, तुम्हारी बीवी पर गिरती, जो बेचारी बिल्कुल बेगुनाह है। मैं जानता हूं तुमने उन पेड़ों को बेचकर बहू के लिए जेवर खरीदे जो दहेज के काम आए हैं। अब तुम ही बताओ बेटा, अगर मुझे सच कह देता तो क्या तुम दोनों यहां सुख से रह पाते? लेकिन डैडी, ओह, तुम्हें इस बात का दुख है ना बेटा कि मुझे चोर कहा गया है? अरे क्या फर्क पड़ता है, वो जिससे पहले भी कई खिताब मिल चुके हैं, नीच, जलील, जोरू का गुलाम, बेशर्म, आज चोर का खिताब ही सही। मेरे बच्चों, बस मेरे लिए तो इतनी काफी है कि तुम दोनों सुख शांति से रहो। मम्मी, दुर्गा, बात ये, खबरदार जो तुमने अपनी जबान से मेरा नाम लिया तो। तुम लोगों ने क्या समझा है कि दुर्गा देवी को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? और तू क्या सती सावित्री बनकर खड़ी है? आज तेरी वजह से पहली बार मेरे पति और मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ कदम उठाया है। चल मेरे साथ। अरे कहां लिए जा रही उसे? इसके बाप से पूछने कि हमसे इतना धोखा करने का क्या मतलब था। चल। रुक जाओ मम्मी, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं और ना ही इसके माँ बाप की कोई गलती है। शादी से पहले मैं प्रिया से मिल चुका था और इसे प्यार भी करने लगा था, लेकिन मैंने आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि मैं जानता था कि आप मेरी शादी कभी किसी गरीब की बेटी से होने ही नहीं देंगी। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। लेकिन आप मेरे किए के साथ प्रिया को नहीं दे सकती। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। देखो ना, अरे मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं प्रिया, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, ये ले तेरी पगार और आज से तेरी छुट्टी। लेकिन मालकिन मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कहा ना तुझे, जब जरूरत पड़ेगी बुला लूंगी। जा अभी। क्या बात है, क्यों निकाल रही हूँ उसे? घर में इतना काम ही कहा है कि नौकरानी रखूं। तो फिर घर का काम कौन करेगा? जो टेलीफोन बूथ पे काम करती थी वही आज से इस घर का काम करेगी। ओ महारानी, अभी तक बर्तन नहीं हुए, हाथों में दम नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बर्तन के बाद कपड़े भी धो लेना। और हाँ, स्त्री भी बाकी है अभी। जी माँ जी, बहुत सारे काम पड़े, जल्दी कर। जी। सुन, घर का काम करते वक्त सोने की चूड़ियाँ पहननी जरूरी नहीं है। उतार दूंगी माँ जी। उतार दूंगी नहीं, उतार के दे मुझे। साबुन का पानी लगने से सोने की चमक जाती रहती है, ला दे। जी लीजिए। बड़ी आई सोना पहनने वाली। अरे ओ बच्चा लाल, जरा पेड़ों पे नजर रखना वरना कोई चुरा के ले जाएगा। आजकल बाहर के चोर घर में ही घुस आए हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। लो, पहन लो इसे। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, पहन लो। नहीं। ए, मेरे दिल की खुशी के लिए पहन लो। देखिए, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को परेशान मत कीजिए। हम औरतों को घर का काम करना ही पड़ता है,
हम सास और बहू के मामले में आप कुछ मत कहिए, समझे? हाँ, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। हेलो डार्लिंग, ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। शाम होते ही दरवाजा बंद करके बैठ गई। दाल कौन पीसेगा, मेरा बाप? जी अभी जाके पीस देती हूँ। ये मम्मी इतनी बुरी तरह से बात क्यों करती है? अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? This is too much, प्रिया, मम्मी is too rude। मेरी बात सुनिए। ये को बात हुई? बैठिए, मेरी कसम बैठिए ना। मम्मी समझती क्यों नहीं है? सुनिए, मेरी वजह से कोई समस्या खड़ी मत कीजिए, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो आने दो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए। क्या हुआ? दाल। अरे दाल गई, तेल बेचते यार, रात के 12 बजे दाल। अरे हस्बैंड वाइफ मिलकर रोमांस करते हैं, कम ऑन लेट्स रोमांस। भाई 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 भाई, ये दाल किस सुन्नू के बट्टे ने बनाई? भगवान, कुछ कहा बेटा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ और तुम्हारे झूम सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए, मैं करती हूँ। नहीं बहू, मैं जानता था दुर्गा दाल पीसने के लिए तुमसे ही कहेगी। तो क्या हुआ बाबूजी? घर का काम करना तो हर औरत का फर्ज है। लाइए मुझे दीजिए। नहीं बहू, अरे काम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी तो तेरे हंसने खेलने के दिन है। और फिर जिन हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं छूटी उन हाथों से ये पत्थर? नहीं बहू नहीं। अरे जा जा, तेरा पति तेरा इंतजार कर रहा होगा, ये काम मैं कर लूंगा। बापूजी, मैं अपना घर छोड़ते वक्त अपने पिताजी के गले लगकर खूब रोई थी, शायद फिर उनसे मिल ना सकूं, लेकिन उनके रूप में आप मुझे फिर मिल गए हैं। देख बेटी, अगर तूने मुझे रुलाया ना तो फिर ये दाल तुझे ही पीसनी पड़ेगी। हाँ, क्या क्या खुश रहे क्या बेटी? ऐसे देखते ही तुम्हारी अंधी आंखों के बल्ब जल गए, तू अंधा नहीं है। पेट के लिए करना पड़ता है साहब। इसका मतलब तूने इंस्पेक्टर के कातिलों को देखा है? नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा साहब। ये है इंस्पेक्टर राम सिंह के कत्ल का चश्मदीद गवाह। लिखिए FIR और तहकीकात शुरू कर दीजिए। थैंक यू मिस्टर मुलायम चंद, प्लीज बी सीटेड। नो थैंक यू वेरी मच, सम अदर टाइम, सी यू। रघुवीर यादव, मैं इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, बोलो कोई नई खबर? राम सिंह के मर्डर की फाइल खोली जा रही है। कौन खोल रहा है फाइल? डिटेक्टिव मुलायम चंद। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। वो बुढ़िया भरत जी की बीवी को बहुत तंग कर रही है। अरे घर का सारा काम करवाती है, नौकरानी बना के रख दिया है बेचारी को। तुझसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के बारे में बात मत किया कर, चल जा अपना काम कर। अरे अपना ही तो काम कर रही हूँ, फिर भी आप कहती हैं तो चली जाती हूँ। हाँ कौन है? कौन है आप? यादव, रघुवीर यादव नाम है मेरा। जासूस मुलायम चंद घर में है? जी नहीं, वो तो ऑफिस गए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हें इससे बड़ा बंगला देना चाहता हूँ, मारुति कार देना चाहता हूँ, देवर देना चाहता हूँ और भी बहुत कुछ देना चाहता हूं, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अपने सुहाग से कहो कि वो तुम्हारे सुहाग का दुश्मन ना बने। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं।
इस अखबार में एक खबर छपी है कि सीनियर इंस्पेक्टर राम सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस ने भी इस मर्डर केस को रजिस्टर करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बेवकूफ आदमी जो कि इस केस की छानबीन और सबूत जुटाकर कानून और लोगों को यह बताना चाहता है कि इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, और वो बेवकूफ आदमी कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। मैं मानता हूं इंस्पेक्टर राम सिंह को पब्लिक बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो आंखें बंद करके मुजरिमों को सजा दिलवाता था। मैं उसके भी घर गया था, जैसे मैं तुम्हारे घर आया हूं। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए बोलो, नहीं माना, मुझे अरेस्ट करने की गलती कर बैठा। किसी ने भरे बाजार में उसके 36 टुकड़े कर दिए। अब इतने दिनों बाद फिर उस केस को खोलने की गलती करने जा रहा है तुम्हारा पति। उसे समझा दो कि इंस्पेक्टर राम सिंह के कत्ल की तहकीकात करना बंद कर दे। हेलो हेलो, आप जल्दी आ जाइए, वो रघुवीर यादव आया था और मुझे धमकी देकर गया है कि वो आपको कुछ कर देगा। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं भी आया हूँ, डोंट वरी। ओके, धमकी देके गया? साले की इतनी हिम्मत, साला घर में आकर धमकी देके गया? ए मल्लू, इस बात को इजी मत लेना, हमको ये बात फौरन पुलिस को बता देनी चाहिए। क्यों जाए पुलिस में? वाई? इसलिए कि रघुवीर यादव अपनी मोटी मोटी आंखों से मेरी हिमा को डरा धमका के चला गया। मुलायम चंद इतना मुलायम ने जितना वो समझता है, वक्त आने पर कड़क चंद भी हो सकता है। जो डर गया वो मर गया। ठीक है भैया, तू नहीं डरता, हम लोग डरते हैं। कम से कम अपनी बीवी का चेहरा तो देख, डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया बेचारी का। अनाड़ी की दोस्ती जी का जंजाल, पीला। मैंने ये साबित कर दिया कि मैं मर्द हूँ। क्यों, पहले तू गड़बड़ था क्या? पहले सबूत नहीं था मेरे पास यार। किस बात का सबूत? अब हेमा माँ बनने वाली है। मल्लू के घर में कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? बच्चा आने वाला है। He's going to be daddy, man. अच्छा, दूसरों के घर में बच्चा होने की बात सुनकर आप इतने खुश हैं? अगर आपके घर में भी बच्चा आने वाला हो तो? या! अरे वो दिन आने दो, मैं इतनी खुशियां मनाऊंगा, इतनी खुशियां मनाऊंगा कि सारे शहर की होली दिवाली एक साथ मनाऊंगा। या, या! तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। या हे, हे, क्या कहा तुमने? क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली? होली और दिवाली मनाने का टाइम आ गया। सुनिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ, इधर देखिए, क्या हुआ छोटे? देखिए मुन्ना, देखिए क्या हुआ इसे? छोटे, क्या हुआ बेटे? छोटे, क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटे? भगवान, क्या क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा प्रेगनेंसी का चक्कर था। क्या, तुम हो गए प्रेग्नेंट? नहीं नाना जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट हो गई। तो तुम क्यों बेहोश हो गए थे? ओहो, इस घर में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। क्या होता आया है? प्रेग्नेंट औरत होती है और बेहोश मर्द होता है। हा? अरे नई बात तो तब होगी जब औरत की जगह मर्द प्रेग्नेंट होगा। सुनिए, सुनिए, क्या है? मैंने सुना प्रिया गर्भवती है। हे भगवान, अगर प्रिया ने मम्मी की गोद में पोता डाल दिया तो सारी जायदाद मेरे हाथ से चली जाएगी। भैया फिकर मत कीजिए, मेरी उषा भी तैयार है। किस बात के लिए? वो कुश्ती लड़ने जा रही है क्या? कुश्ती नहीं, वो भी गर्भवती है। देखना, इस घर को पहला पोता मैं ही दूंगा। हाँ। पोता किसी दुकान में मिलता है क्या जो ला कर देगा? देखना, मैं ही दूंगा पोता। देख लेना क्या है। देख लेने, आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ नाना जी ध्यान लगाकर भविष्यवाणी करने वाले हैं कि प्रिया को लड़का होगा या लड़की। हो गई प्रकट ज्योति, आ गई ज्योति। ज्योति, ज्योति मतलब लड़की। हम बच गए, चोटू फंस गया। अरे मतलब क्या है पिताजी? इस ज्योति के प्रकाश में मुझे कृष्ण भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और कहा, मैं बहुत शीघ्र ही तेरे घर में
प्रवेश करने वाला हूँ। सच? हाँ बेटा, अब इस घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो बेटे। बाबू, कमान कमान। राम भैया। बोल लक्ष्मण। आप दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। अब आपको लड़के के लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं है। वो तो है, वो तो है।
से मैं पागल प्रिया हो गया। चुप 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 चुप। अरे वो माली के बच्चे ठीक से पानी देना पौधों में। ए बच्चा लाल। जी मालकिन। ये देख ये पत्ते कैसे सूख रहे, तो ध्यान क्यों नहीं देता? जी जी। ए माली। जी मालकिन। मम्मी मम्मी वो क्या है, बिना सच्चाई जाने प्रिया को सारे गहने नहीं देने चाहिए थे ना? क्यों? ये जरूरी नहीं है कि नाना जी ने कहा लड़का होगा तो लड़का ही होगा। नाना जी की भविष्यवाणी आज तक कभी गलत हुई है क्या? उन्होंने ये नहीं कहा था कि डैडी ने पेड़ चुराया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि चोरी करने वाले के हाथ में हथियार होगा। लेकिन भरत का हथियार से कोई लेना देना नहीं है ना, फिर भी वो बोफोर्स का सारा माल हड़प कर रहे हैं। नाना जी भी गलत साबित हो सकते हैं। देखिए मम्मी, अगर आप असलियत जानना चाहती है ना, तो उसका एक ही तरीका है। क्या? स्कैनिंग। स्कैनिंग? वो क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब है डिलीवरी से पहले माँ की कोख में लड़का या लड़की ये टीवी पे दिखाई देता है। टीवी पे? हाँ मालकिन, आप नहीं जानती आजकल मार्केट में एक नया टीवी आया है। बच्चा लाल, माँ जी को जरा समझा देना। मालकिन उसका नाम है केबल टीवी, जिसपे सन टीवी, मून टीवी, जी टीवी, घी टीवी। मोरू ने तुझे कुछ भी बड़बड़ता है, मोरू को फटा टीवी, या टीवी, एम टीवी, बी टीवी। मम्मी ये टीवी सिर्फ हॉस्पिटल में होता है। हम प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टीवी पर देखकर बता देगा सच क्या है। और खर्चा भी ज्यादा नहीं है, 500 रुपए बस, सिर्फ 500 रुपए। ये 500 रुपए किसने चाहिए? ये जानने के लिए कि लड़का है या लड़की। इसमें 500 रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है, चड्डी उतार कर देख लो बच्चे की। डैडी हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो प्रिया के पेट में है। मामला क्या है मेरा राम लखन भैया, क्यों मम्मी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं आप लोग? भरत मैं प्रिया को अस्पताल ले जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ प्रिया को? नहीं नहीं, उसे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ चेकअप कराना है ताकि ये पता चल सके कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की। क्या मतलब? मतलब स्कैनिंग। स्कैनिंग? कोई स्कैनिंग वैनिंग नहीं होगी मम्मी, तुमको मालूम है स्कैनिंग से बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। क्या? या? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल में ये मशीन ही नहीं होती। छोटे चल के देखे तो सही। मम्मी चला जा बेटा, असलियत के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि बच्चा किस पोजीशन में है। ठीक है डैडी, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो जाओ, प्रिया को लेकर आओ। आज नहीं, मैं कल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कल मुझे कोर्ट जाना है और मुझे भी दुकान खोलनी है। अरे वाह, स्कैनिंग मेरी बीवी की क्या आप लोग दोनों की है? अरे भाई बीवी मेरी, मैं कल उसको ले जाऊंगा, स्कैनिंग करवा लूंगा, क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं स्कैनिंग में क्या होगा। अरे क्या होगा यार, लड़का होगा लड़का। लो डॉक्टर साहब भी आ गए। मुबारक हो मिस्टर भरत भटनागर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना। क्या कहा आपने? यस, आपके घर बेटी पैदा होने वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये अक्सर फिर से चेक कीजिए। फिर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं, लड़की ही है। भरत, भरत। गधा मुलायम, कुत्ता मुलायम, डिटेक्टिव नहीं डिफेक्टिव मुलायम, नालायक मुलायम। ये मेन पॉइंट मेरे भेजे में साला पहले क्यों नहीं आया? अरे मेरी जान अटकी पड़ी हुई है, तू क्या नाटक कर रहा है यार? ये नाटक नहीं, फाटक खुल गया है। तू प्रिया के बाहों में बाहें डालकर जा और घर वालों को शान से कह दे कि बेटा ही पैदा होने वाला है। अच्छा, और मेरे दोनों भाई जो इंतजार कर रहे हैं इस रिपोर्ट का, वो मेरी माँ को बताएंगे नहीं? क्या बात करता है यार। इसमें लड़का या लड़की दिखाई दे रहा है, सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है कि लड़का होने वाला है या लड़की, तुम्हारे वो दोनों गधे भाई नहीं। लेकिन मल्लू। मल्लू वल्लू कुछ नहीं यार, तू टेंशन मत ले, हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। तू जाके बोल दे बेटा होने वाला है। चलो प्रिया। ओके। मालकिन वो लोग अभी आते ही होंगे और खुशी की खबर भी लाते ही होंगे। क्या हुआ? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की होके डरती हो? मेरा मतलब इसमें डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ जितना मैं कहूंगा उतना ही करना, चलो। आप खामखा परेशान हो रही है, स्कैनिंग की रिपोर्ट आती है सच्चाई सामने आ जाएगी। स्कैनिंग की रिपोर्ट कभी गलत हो ही नहीं सकती। मम्मी
मम्मी मम्मी मुबारक हो। क्या हुआ भरत? क्या हुआ? अरे अरे बता दो, बता दो। अरे मम्मी, प्रिया जल्दी बेटे की माँ बनने वाली है। सीधी बाजू कौन सी है? उल्टा करके देखो। इधर लाइए। किधर गया? उधर उधर। नाना जी की भविष्यवाणी पे शक है आप लोग दोनों को? तो फिर हम तो अपने भतीजे का फोटो देख रहे थे। अच्छा? लगता है तेरे पे जाएगा। तो सीधी बात है, मेरा बेटा तो मेरे पे ही जाएगा। फसाद की जड़ दोनों के दोनों। नहीं नहीं, क्या है? क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फालतू बात कर दे। लगता है ये हम लोगों को अच्छी तरह से। ए क्या क्या कर रही तू? कमाल है, आपका भतीजा आने वाला है तो मैं खुशियां मनाऊंगा, मिठाइयां खाऊंगा। छोटू, मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मेरा पोता इस दुनिया में पहला कदम रखे तो मेरी हथेलियों पे रखे। चाहता तो मैं भी यही था मम्मी, मगर क्या करें। बेटा, ये रीति रिवाज हमारे पुरखों के बनाए हुए हैं कि स्त्री की पहली संतान उसके मैके में ही होनी चाहिए। जी। ओह माँ, जल्दी। क्या ये? ये कुछ नहीं, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। मैं तो है ना गर्भवती की चाल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। डरा दिया मुझे? मैं अपने आप पे शक करने लगा था। चलो। हाय दैया। अच्छा बहू, अब इस घर में मुरली मनोहर को लेकर ही कदम रखना। चलो प्रिया, देरी हो रही है, अपना ख्याल रखना। जी माँ जी। क्या हुआ? अब यहाँ क्यों खड़े हैं? घर चलिए ना। घर चल के क्या करना है? जा ऐसे, चले जा। राम भैया, क्या है? क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हूं तो क्या हूं, कितनी बार ट्राई किया कि लड़का हो लड़का हो, लेकिन हर बार लड़की लड़की। एक काम करूं, इस बार मैं ट्राई करूं। हाँ, क्या बोला? नहीं नहीं, मतलब मैं शादी करूंगा, लड़का पैदा करूंगा और आपकी गोद में डाल दूंगा। चल भाग। गोद में डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। भाग जा। और कोई आता है मुझे इसी करने के लिए? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेबर पेन? ड्राइवर, हॉस्पिटल ले चलो गाड़ी। डोंट वरी प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। है जल्दी करो भाई, जल्दी। प्रिया धीरज रखो, धीरज। है अब जैसे ही लड़की पैदा होगी, माँ जी मुझसे नफरत करने लगेगी। अब शायद ही कभी मैं आपके घर आ पाऊंगी। तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस अपना ख्याल रखो। अरे जल्दी करो भाई। हाँ मेरी, ओके, डोंट वरी। अरे डोंट वरी प्रिया, एक मिनट बनो, एक मिनट। ऑल द बेस्ट, आई लव यू, ओके? एक्सक्यूज मी, आप यही रुकिए। हाँ जी, ओके। आई लव यू। मनु, हेमा की तबीयत कैसी है अभी? हेमा के डिलीवरी, ये लेबर रूम में है वो। ओ भरत, तू प्रिया को लेके मायके जा रहा था, यहाँ कैसे? अरे रास्ते में लेबर पेन शुरू हो गई यार, गाड़ी टर्न करके लाना पड़ा। तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मम्मी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मम्मी की तबीयत तो ठीक है? तुम जाके देख लो, मैं यहाँ संभाल लूंगा, जाओ। एक मिनट भैया। मम्मी, डैडी, क्या हो गया मम्मी को? बेटे बस तेरे जाने के बाद अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वो बेहोश हो गई।
बेटे तुम यहाँ कैसे? रास्ते में प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गया, उसे मजबूरी यहाँ लाना पड़ा। भरत अच्छा हुआ तू आ गया, वरना मम्मी आखिरी वक्त तुझे देखने को तरस जाती। हाँ, जायदाद के बारे में फैसला करने से पहले ही मम्मी की यह हालत हो गई। बकवास बनकर, मम्मी की जायदाद में कानूनन हम सबका बराबर का हिस्सा है। हम कानून से चलेंगे। अरे कमीनो, तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम इतनी घटिया और गिरी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बेकार है तुम पर। बेटे तू जा, बहू का ख्याल रख। अरे तू जाना बेटा, हम है ना सब। जा जा, जा बन जा। क्या भरत? मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनको आईसीयू में रखा है। आईसीयू में? अजीब कशमकश यार, यहाँ पर मम्मी है, वहाँ पर प्रिया है, समझ में नहीं आ रहा। मुसीबत आती है चारों तरफ से आती है, कोई बात नहीं, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चुप है। मुबारक हो आपकी बीवी को लड़का। थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो मल्लू, मुबारक हो। डॉक्टर साहब, मिस्टर भटनागर, इनकी हालत और खराब होती जा रही है, मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ, अब भगवान ही इन्हें बचा सकता है। ये लीजिए। अले हेलो बच्चा, आइए मेरे बच्चा, सो रहे हैं आंखें को लगे सो रहे हैं। पापा को देख, पापा को देख, पापा को देख। ए वल्लू, मैं इसको एक मिनट हाथ में लूं? अरे लेना, चटके बज जा, चटके बज जा। अले 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 अले। ए राजा बेटा, ए सोना बेटा, ए एकदम अपने बाप पे गया, बाबू को बेटा हो गया। अरे नाना मुझे दे, आराम से। मेरा पोता दुर्गा को दिखाता हूँ। दुर्गा दुर्गा, अरे 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 डैडी रुकिए। दुर्गा अपनी आंखें खोल, दुर्गा देख देख, तेरा मुन्ना आया है। देख दुर्गा, तेरी आंखों के सामने तेरा जीता जागता सपना। देख दुर्गा, देख अपने पोते को, अपने घर के चिराग को। देख ये मासूम कैसे अपनी दादी माँ को देखे जा रहा है। देख दुर्गा, देख अपनी आंखें खोल, देख। भरत आप क्या करेंगे यार? क्या करेंगे यार, मम्मी इतनी बीमार है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं कैसे बोलूं। मिस्टर भरत भटनागर, या आपकी बीवी को लड़की पैदा हुई है। लड़की पैदा हुई है, मुबारक हो। ओए मुबारक हो, मैं बाप बन गया। ओए मुबारक हो, ओए मुबारक हो। मम्मी भाई मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि तुम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है, एक ही दिन दोनों बाप बने। फर्क इतना है, तुम्हें लड़का हुआ है, इन्हें लड़की। मैं तो पहले से ही जानती थी कि प्रिया को लड़की ही होगी, और बेटे लड़की होने का मतलब है घर में लक्ष्मी का आना। अरे बेटे ये तो इतनी भाग्यशाली है कि जब ये पैदा हुई तो उसकी दादी ठीक हो गई। और जब हम उनसे मिले तो वाह वाह वो खुशी से फूली नहीं समाई। कौन मम्मी? मम्मी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, स्वाभाविक है स्वाभाविक है। अच्छा बेटी अब हम चलते हैं, घर पर मिलने आएंगे, अपना ख्याल रखना बेटी। अच्छा बेटे, अच्छा हम चलते हैं। अच्छा आइए, मैं आपको जीते रहो। चलिए
हाँ डॉक्टर से पूछ लो कि इन दोनों को डिस्चार्ज कब कर रहे हैं। पूछता हूँ पूछता हूँ। ऐसा चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मम्मी अरे अरे उठाओ क्या हुआ? यहाँ पर रखो। अरे क्या कर रहे यार? मम्मी आ गई। मम्मी मम्मी आ रही है? हाँ तो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना। तो क्या हुआ? अबे तू छू के बार बार बताना पड़ेगा कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई और मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है। हाँ सोनोग्राफी रिपोर्ट तुमने घुमाई थी ना, अब घूम। अरे दादी का पोता है, दादी का मुन्ना है, दादी के पास जाना है। अरे मम्मी लो मम्मी आ गई। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने मना किया ना तुमको बोझ उठाने के लिए। अरे पगले ये बोझ थोड़ी है, ये तो मेरा पोता है, मेरे घर का चिराग है ना मुन्ना? वाह बोलता बाबा। माँ जी तबीयत कैसी है आपकी? मेरा पोता आ गया है ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अब अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही? डॉक्टर ने आपको घर जाने की इजाजत कैसे दे दी? अरे वो क्या मुझे इजाजत देगा, मैंने उसे खुद कह दिया कि आज मैं अपने पोते के साथ अपने घर जा रही हूँ। है ना मुन्ना? अपन घर जा रहे ना बाबा। मम्मी लेकिन आप मुन्ने को घर लेकर कैसे जा सकती हैं? क्यों? अरे डॉक्टर ने अभी प्रिया को डिस्चार्ज नहीं किया है ना। वो डिस्चार्ज हो चुकी है, हमने अस्पताल का बिल भी दे दिया है। क्या अजी आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? सामान पैक कीजिए ना। हा? हा? सामान मैं क्या करूं? जल्दी करो बहू, शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। अजी जल्दी कीजिए ना। आया आया। चलो चलो मैं आता हूँ। चलो चलो ना बहू। अच्छा मल्लू। हाँ जी हाँ चलो चलो बहू चलो चलो। शाबाश भरत। ये सब क्या हो रहा है यार? अरे मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ समझ में। आ मम्मी चल मैं मिलता हूँ वहीं पे तुझे। आपने ऐसे कैसे जाने दिया मेरे बच्चे को, रोका क्यों नहीं? हे माँ धीरज रखो, घर ही जा रहे ना, घर पहुँचते बच्चा मिल जाएगा। मेरा चल, बच्चा। चल, 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 धीरज रखो। आ गए आ गए आ गए। आइए मलकिन आइए आई। अरे लक्ष्मी जल्दी से आरती लेकर आओ। भरत ए भरत भरत मेरा बच्चा लाना यार। आओ लाना। सुनिए हाँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे मिल जाएगा ठहर। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? का मतलब है मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरा बेटा ला कर दे। ठीक है लाता हूं। हाँ ये सुन क्या हुआ? बेटी ले जाओ। ओ मेरी बेटी। हाँ। बहुत कंफ्यूजन है यार, बहुत कंफ्यूजन है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या बात है डैडी, मम्मी की तबीयत फिर खराब हो गई? ऐसा कुछ नहीं बेटे, दरअसल डॉक्टर ने इसे उलझनों से दूर रहने को कहा है, लेकिन ये माने तब ना। अरे कुछ नहीं रे, मुन्ना आ गया है ना, अब मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मम्मी ये मल्लू की बेटी है, तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। अरे मैं इसे अस्पताल में देख चुकी हूँ, जा वापस ले जा। एक बार तो देख लो मम्मी। जी देख बेटा, लड़की को देखकर तो तेरी माँ वैसे ही परेशान हो जाती है, जा ले जाए। अरे मग अरे जा ले जा इसे, वरना फिर से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जा जा ले जा। ये लो। मुन्ना। हाँ भरत, गलती से तुम फिर अपनी बेटी को लेकर आए हो? गलती से नहीं, मजबूरी में लाया हूँ, माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊँ? यार तू तो अच्छी तरह जाता है, उस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने माँ के बारे में क्या कहा था? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन यार, प्लीज। तो फिर क्या करें क्या करें बोल। देख कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी तेरे पास रख ले और तेरा बेटा मेरे पास। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों की तो बात है माँ, मेरी माँ के लिए मेरी मदद करो यार, हेल्प मी यार, हेमा को समझाना यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन यार, आई मीन प्रॉब्लम यार। ओ माय बेबी। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। रहना पड़ेगा हेमा, तुम्हें याद है ना हमारे अपने माँ बाप और हमारे रिश्तेदार सब दुश्मन बन गए थे, तब इसी भरत ने हमारी कितनी मुश्किलों से शादी करवाई थी, और आज भरत तकलीफ में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज नहीं बनता? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
बच्चों की लाइन लगा दूंगा। भरोसा नहीं मेरे पे। मुबारक हो दुर्गा बहन, आखिर पोता हो ही गया। बस देखो भगवान की मेहरबानी है। भटनागर साहब, अरे खन्ना साहब कैसे हैं? पोता मुबारक हो। थैंक यू। ठीक है ठीक है। ये आपका बेटा है ना? जी हाँ लक्ष्मण। अरे आप तशरीफ रखिए ना। हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी यार, अरे मल्लू कितनी देर लगा दी तूने यार? क्या करूं, दोनों को तैयार होने में टाइम लग गया। ला ला मेरी बेटी मेरे हाथ में दे। ओ मां बच्चा, ओ मां बेबी, बाबा बाबा। आजा 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 आजा, मम्मी को बताते। मम्मी ये मेरी मल्लू की बेटी है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। मम्मी इसे इसके दादा दादी का आशीर्वाद ही मिला ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसे मुन्ना के बगल में झूले में लटा देता हूँ, कम से कम इसे सबका आशीर्वाद तो मिल जाएगा। मम्मी ऐसे शुभ अवसर पर ना मत बोलना प्लीज। ठीक है लिटा दे। ओके ओके। ओ बच्चा ले बेबी। ओ अरे हाय हाय हाय, मुबारक हो। अरे जच्चा बच्चा सलामत रहे। जब भी हुआ है तो बच्चा पैदा, हम पहुंच गए वहाँ बाकायदा। गिरा दे बरेली में झुमका, अरे चंपा लगा दे ठुमका। फिलता सज दीजे नचे मुंडे दी माँ, हम फिलता सज दीजे नचे मुंडे दी माँ। हाली ता बजदी, हाली ता बजदी।
प्रिया। ओ प्रिया मेरी जान, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। प्रिया थोड़ा सफर करो, अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी तो उसका बाप हूं ना। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी हम लोग अपनी बिटिया को ले आएंगे, है ना? मेरी बच्ची रो रही है। ले 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 चुप हो जा, ले ले पुले ले पुले ले पुले ले पुले ले पुले ले। ये भगवान मेरी बच्ची रो रही है। प्रिया कंट्रोल योरसेल्फ, वो लोग उसको चुप करा लेंगे ना। लगता है भूखी है बेचारी, मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। अरे फिक्र मत करो हेमा, उसको दूध पिला देगी ना। मैं नहीं चाहती और कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसकी संतान को कोई पराई औरत दूध पिलाए। एक बात सुन लीजिए, मेरे लिए मेरी बच्ची ही मेरा संसार है। प्रिया पीछे के दरवाजे से जाओ। अबे अभी तू क्यों रो रहा है? मेरा बच्चा रो रहा है वहाँ। हाँ। अच्छा होगा तुम आ गए हेमा, मुझे तो बच्चा चुप कराना ही नहीं आता, देखो ना। क्या हो ना? ओह आई एम सॉरी, प्लीज गो अहेड, आई एम वेरी सॉरी। हाँ हेमा, मल्लू तू क्या उल्लू की तरह इधर उधर घूम रहा है यार? अरे तुझे मालूम नहीं नाना जी ने तेरे बेटे की जन्म पत्री बनाई है? अरे तेरे बेटे की जन्म पत्री में राजयोग है, राजयोग। ये सब बात की बात है यार, फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ। हेमा मेरे को दो मिनट के लिए भी चैन से बैठे नहीं दे रही है। मेरा बेटा मेरे को वापस कर दे। ठीक है मैं रात को तेरा बेटा लौटा दूंगा। थैंक यू। सुबह ले जाऊंगा वापस। क्या मतलब? अरे सीधी बात है, बच्चे रात को माँ के पास रहा करेंगे, सुबह अलग अलग घर में रहेंगे। ये क्या यार, कब तक चलता रहेगा एक्सचेंज का मामला यार? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अच्छा? नहीं समझा? अरे यार वो मेरी माँ है, तू मेरा दोस्त है, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरी माँ की बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन जा यार उसको समझा यार, समझा के रात को मिलते हैं, बोलना। तू डरता है क्या अपनी बीवी से? जाना समझाना उसको। डरने की बात? अरे डरने की बात है यार, मैं भी डरता हूँ, सारी दुनिया डरती है। अच्छा सुन, रात को मिलते हैं। ओके ओके। बस मैं यूं गया और यूं आया। ओके आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, जल्दी आ जा पुकारे दिलदार तेरा है। ओ आजा ओ आजा, ओ जल्दी आ, ओ आजा, ओ देर ना कर, जल्दी आ, ओ आजा, ओ मर जाऊंगा, जल्दी आ, जल्दी कर, देर ना कर, मर जाऊंगा, जल्दी आ जा, आ जा, ओ आजा, ओ आजा, ओ आजा, इतनी रात को आजा आजा, कोई लफड़ा जरूर है बच्चा लाल। क्या हो गया आज चंपा रानी को? आती नहीं, फिर से बुलाना पड़ेगा। भाग जा भूदागर, भाग जा भूदागर। बच्चा लाल का ख्याल रखना पड़ेगा, रात भर जागता रहता है, कहीं फोन ना खोल दे यार। प्रिया ये लो प्रिया मानत। अले ले मेरी गुड़िया रानी, हंस दे, देख पापा आए हैं, पापा को देख। इतनी भागदौड़ में बिचारी को अपने माँ बाप का प्यार भी ठीक से नहीं मिल रहा है। कितनी प्यारी मेरी बेटी। आपकी नहीं मेरी बेटी है। अच्छा हमारी बेटी। ये मेरी बेटी का पेटू सूज गया क्या? हाँ। ओ, ओ, बज गया। क्या हुआ? अरे छह बज गए, लड़का लाना है, लड़की को देना है वापिस। नहीं मेरी बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए। प्रिया
ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज हेल्प मी यार। चलो चलो मेरा बेटी, अरे मेरा बेटी, चलो चलो वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे। कौन है यार? गुड मॉर्निंग मल्लू। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जगा दिया यार, एक तो रात भर रघुवीर गाड़ों के चक्कर लगा था, सुबह 4 बजे घर आया हूँ। ये ले था मेरी बेटी, और अपना बेटा लेके आ जल्दी से। अबे मल्लू, तू गिरा देगा मेरी बेटी को। मेरा बेटा का? अबे अंदर सो रहा तेरा बेटा, उसको लेके आ, इसको लेके जा। क्या यार तू यार, 6 बज गए क्या यार, क्या बोल रहा है तू मुझे? बेटा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? वो टहलने गया था नाना जी, मॉर्निंग वॉक करने। बच्चे को गोद में लेकर मॉर्निंग वॉक? हाँ, वो बच्चा चल नहीं सकता ना, इसलिए मैं गोद में वॉक करा रहा हूँ नाना जी। अरे बच्चा लाल, ये माथे पर लेप क्यों लगा रखा है? अपने भेजे को ठंडा कर रहा हूँ बाबूजी। क्यों बेटा? कल रात को मैंने भूत को देखा और मुझे गुस्सा आ गया। तुमने भूत को देखा? देखा नहीं, खाली सुना। अगर देख लिया होता ना तो मेरा दिमाग घूम गया होता और मैं आगे बढ़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बच गया साला जो मुझे दिखाई नहीं दिया। बेटा वो किसी को दिखाई नहीं देते, सिर्फ उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। गंधर्व होते हैं ना? गंधर्व? हाँ बेटा, काफी अरसा पहले यहाँ रात के वक्त बहुत से गंधर्व इकट्ठे हुआ करते थे। आपस में थाली की अदली बदली करते थे, और थाली की अदली बदली करते हुए अगर उन्हें कोई देख ले तो वो तो खून की उल्टियां कर करके मर ही जाए। मेरा मुन्ना नाव नाव कर लाए, दादी के हाथ से नाव नाव करेगा, पूरा गोला हो जाएगा मेरा बच्चा, मिठू मिठू लगेगा, है ना मेरा मुन्ना? मम्मी बच्चे को नहला रही है क्या? नहीं नहीं, इसको करवा रही है। लक्ष्मण, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मम्मी को अभी तक बच्चों को नहलाना याद भी है। आखिरी बार तो भरत को नहलाते हुए देखा था। उसके बाद मेरी 4-4 बेटियां पैदा हुई, लेकिन किसी को मम्मी ने छुआ तक नहीं। मेरी तो 4 में से 2 से मीटिंग तक नहीं की। अच्छा, किसी से मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है मुझे, जाके कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दे। तेरा भाई तो वकील है ना, कम से कम इसी बहाने कोर्ट का मुंह तो देखेगा। है ना मुन्ना? कौ बोलो मुन्ना। मम्मी आप कहे तो मैं उषा को और बच्चे को ले आऊं। ना मत कहना, उषा और उसके डैडी भरत के बच्चे को देखने के लिए आने वाले, आप उन्हें भगा मत देना। हा? मुझे क्या पड़ी है किसी को घर में आने से मना करूं? लेकिन मेरे मुन्ने को देखे और चले जाए बस। मुझे तो मेरा मुन्ना चाहिए, बस मेरा मुन्ना चाहिए। एक मिनट, कहा बेटा? बच 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 बच, अभी हो गया, अभी जल्दी जल्दी नाव नाव करेंगे, गोले गोले हो जाएंगे, दूध दूध पिएंगे, छो जाएंगे। क्या सोच रहा है लक्ष्मण? भैया इस बच्चे की शक्ल किसी से मिलती है। किससे मिलती है? जानी पहचानी सी लगती है। अच्छा, न जाने कहाँ देखा। यहाँ देखा है, यहाँ। ये चेहरा सीधा सादा जिस पे गया मेरा शहजादा। मैं इसे वही बोला कि तेरे पे गया है वो। तो जाइए ना, अभी आप लोग खड़े क्यों हैं? हाँ तो जाइए ना, जाइए जा रहे हैं ना। मम्मी को बुलाऊं क्या? मम्मी, मम्मी को मत बुला, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत तो मम्मी, मम्मी, अभी हम पाउडर लगा के गोले गोले हो जाएंगे, है ना मिलो गोला गोला। मम्मी एक बार इस प्यारे सी गुड़िया को भी नहला दीजिए ना। क्यों, हेमा को नहलाना नहीं आता? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका हाथ शुभ है ना, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक बार आप इसे अपने हाथों से नहलाएं। हेमा और मुलायम के माँ बाप अभी तक नाराज हैं क्या? हाँ लगता है ऐसा ही है मुझे। ये तो अच्छी बात नहीं है, मैंने तो सोचा था कि बच्चे के पैदा होते ही सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। चलो ठीक है, ले इसे कपड़े पहना। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे गमाली गुड़िया, तू भी नाव नाव करेगी। देखा कितनी खुशी अपनी बिटिया रानी, ये तो मैंने चक्कर चलाया है, वरना मम्मी तो कभी इसको हाथ ही नहीं लगाती। बेचारी मेरी बेटी तो तरस जाती है अपनी दादी के प्यार के लिए। हाय माँ, भाग गया तो।
क्या हुआ? मेरे माँ बाप आए हैं। अच्छा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अरे उल्लू को तुम तुझसे मिलने नहीं आए, मेरे बेटे से मिलने आए भाई। अरे लेकिन मेरी मम्मी मेरी पहली बार मेरी बेटी को नहला रही, मुझे देखने तो दे। मुझे तेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा चाहिए, जा जाकर लेकर आ जल्दी। तू एक काम कर, तू पीछे के दरवाजे से आ, मैं वहां पर मिलता हूँ। आना। अबे तू जा रहा है? चलो मुन्ना, चलो 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 चलो। क्या बात है? अरे मल्लू के माँ बाप झगड़ा खत्म करके मुन्ने से मिलने आए, अर्जेंट डिलीवरी। चल मेरे बाप, तेरा बाप परेशान है, आजा आजा आजा। ए मल्लू, ए अपनी बहू भी तो ऐसी तुम है। ठीक कहती हो। अरे 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 मुन्ना मुन्ना, कुछ 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 कुछ, कितना प्यारा बच्चा है। ये है हमारा अलादीन का चिराग। अच्छा अच्छा, अलादीन का चिराग है जी। तो फिर क्या इसको रगड़ते ही जिन सामने आ जाता है? बापू, जिन सामने आता तो मैं दुनिया भर के घोटाले के सबके सामने नहीं लाता, बेहतरीन जासूस नहीं कहलाता, मगर इसको देखते यहाँ सिर्फ दुर्गा देवी आ जाती है। दुर्गा देवी? कौन दुर्गा देवी? माँ आप सिर्फ आम खाइए ना, आम है ना दशहरी आम की तरह। माँ बचपन में मैं भी ऐसे था क्या? अरे तू तो बिल्कुल गोबर था, गोबर। ओ इसीलिए आपने मेरा नाम मुलायम चंद रखा, मगर हूँ तो आप ही की औलाद ना। चुप कर। बहू, क्या तुम्हें बच्चे को नहलाना धुलाना भी नहीं आता जो दूसरों के घर भेज दिया? जी वो नहीं, आपके चांद जैसी बहू से मैं ऐसे काम करवाऊंगा? अरे ऐसे काम तो मैं नौकरों से करवाता हूँ। नौकरों से? अरे मेरे पोते को किसी की नजर लग गई तो? माँ, आप दोनों की मेहरबानी से जो कलर मिला है इसको आज तक नजर नहीं लगी, तो इसको क्या लगेगी? अरे इस पे जो नजर डालेगा वो अंधा हो जाएगा, लूला हो जाएगा। चुप कर, जब देखो मजाक करता है। अच्छा ये बता बेटे, मेरे पोते का नाम क्या रखा है? माँ जी, मैंने कलर के हिसाब से कृष्णा रखा है। कृष्णा? हम तो नाम नाम कर लिए, अब अपने घर जाएंगे। बैंड बज गई। मम्मी, मम्मी यहाँ कहाँ जा रही हो? हिमा के पास उसकी बच्ची लौटानी। नहीं नहीं, उधर मत जाइए ना मम्मी। क्यों नहीं जाऊँ? क्योंकि वो मल्लू के माँ बाप आया ना हिमा से मिलने। अच्छा हाँ? तब तो और भी देरी नहीं करनी चाहिए, वो लोग बच्ची को देखने के लिए तरस रहे होंगे। नहीं नहीं मम्मी, आप बजाइए, लाइए बच्ची को, मुझे दे दीजिए, मैं दे आता हूँ। भरत क्या हुआ है तुझे, जाने क्यों नहीं देता? मम्मी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आप क्या है? है क्या आप? क्या मतलब? कोई नौकरानी है, कोई दाई है आप? अरे दुर्गा भवन की मालकिन श्रीमती दुर्गा देवी किसी मामूली आदमी की बच्ची को नहलाए, फिर उस मामूली आदमी के मामूली माँ बाप के पास बच्ची को लेकर भी जाए? दुनिया वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कितनी छीछी थूतू होगी, कितनी भारी बेइज्जती होगी अपने खानदान की। मगर आपकी जिद के सामने आज तक किसकी चली है? जो मेरी चलेगी। जाइए लेकर जाइए। क्या ले दे आओ से? जाइए आप, बुरा मान जाइए। अब जाता है कि एक दूं? चलिए आप जिद कर रही हैं तो मैं ही ले जाता हूँ। ले। आपकी जिद के सामने भी किसी की चलती नहीं है मम्मी। तेरी तो चलती है ना। प्रिया, ए प्रिया जी? ले संभाले से, लो संभालो, और सुनो मेरे यहाँ से जाने के बाद दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, और कोई लाख खटखटे खोलना नहीं है, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ संभाल लो, ये देश प्रोग्रेस कैसे करेगा, आधा टाइम तो फैमिली पॉलिटिक्स में खत्म हो जाता है। चल बंद कर ले अंदर से। लो बड़ी भाभी की मम्मी डैडी आए, अभी टपकना था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बेटा मुबारक हो। थैंक यू। बेटे आज गाने बजाने नहीं गए? माँ जी, जब से भरत को बेटा पैदा हुआ है तब से पूरे घर में दौड़ता फिर रहा है। दौड़ता तो ऐसे फिर रहा भाभी जैसे कोई ओलंपिक की रेस में भी क्या दौड़ा होगा। आइए डैडी डैडी, बड़े भाभी के मम्मी डैडी आए। नमस्ते। नमस्कार समधी जी, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपको हमारी याद आई है। दशरथ बाबू, आपकी नाराजगी जायज है, कई दिनों से बहुत बिजी था, आने का टाइम ही नहीं मिला। इस वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा हो गया, इसलिए हम बधाई देने चले आए। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बच्चा लाल, जल्दी से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। आप हाय दया, मुझे क्या पता था कि आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ 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 होता है। क्या कहा तुमने? आपको पहले बताना चाहिए था ना। ये थप्पड़ मारूंगा खींच के, जाकर मल्लू को बुला।
हाउ रूड, हाउ रूड। दिल में कुछ कुछ होता है, पागल हो गई है मुटली। बस ये क्या चक्कर है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल में ही मेरा दिल है। इस चिट्ठी का जवाब मुझे शाम तक मिलना चाहिए। शाम तक क्यों डालेंगे, अभी दे देता हूँ। उल्लू के पट्टे बच्चा लाल की औलाद। रुक रुक रुक, मैं कब से चल रहा है ये चक्कर है? चल कह रहा है भैया, रेंग रहा है। चक्कर तो आपने चलाया था, चटमंगनी पटब्या झट बच्चा, हम तो बस नाम के बच्चे रह गए। अब एक खींच के दूंगा, जा रहा हूँ। अभी मालूम पड़ा सुबह सब्जी लेने जाता, शाम को क्यों आता साला। भरत मल्लू, क्या बात है? मुन्ना को लेके अब कहां से दूं? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ और पिताजी मुन्ना के साथ खेल रहे हैं। अरे राम भैया के साथ ससुर आए, अगर प्रिया की गोद में उन लोगों ने मेरी बेटी को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अबे तू सर पे हाथ मत मार, तू जा जा ले क्या, तू जा ले क्या, तू जा। धंधा मतलब तो ठीक चल रहा है ना? अरे माय बेबी, अरे मेरा बच्चा, देख तेरे को देखने के लिए कौन आए। बड़ी भाभी के मम्मी जा रही आए, अंकल ये मेरा बेटा है। यहाँ क्यों ले आए, हम तो वहीं आ रहे थे। अरे एक ही तो बात है अंकल, आप इसको देखने के लिए अंदर चले जाए या ये आपको देखने के लिए बाहर चला है। लाओ भरत, मुझे दे दो। हाँ लीजिए। अंकल ये एकदम मुझ पे गया है ना? हाँ तुम पे गया है। हम लोग प्रिया से मिलकर आते हैं। हाँ चलिए चलिए। नहीं नहीं नहीं, प्रिया है नहीं। प्रिया नहीं है? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, ना ना रही है। ओ ना हाँ। रही है। मैं भागा ना जाऊँगा। बाबूजी जीते रहो बेटे। माताजी क्या बात है बेटे, इतने घबराए हुए क्यों? घबरा गया हूँ, मतलब आप लोग को देख के खुश हो गया। मैं तो डर ही गया था बेटे। बाबू जी आप लोग अचानक किया कैसे? अरे बेटे इसने जिद पकड़ ली थी कि आज ही बेटी को मिलना है, मैंने कहा चलो। ओह बताइए तो, आइए 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 अंदर आइए। अरे नाशी, अब बाबू जी यहाँ से कहाँ से जा रहे? अरे बेटे रास्ता तो यहाँ से। नहीं नहीं यहाँ से चलिए ना, यहाँ से शॉर्टकट, यहाँ जल्दी पहुंचेंगे। आइए आइए आइए, देखिए पहुंच गए। प्रिया, प्रिया कौन है? प्रिया मैं हूँ। आइए आइए, खोलो ना। अरे माँ कैसी है मेरी बेटी? जीती रहो बेटे। अरे भाई वो नातिनी कहाँ है? वाह वाह वाह, आई 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 आई। अरे मेरा बच्चा। अरे ले 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 ले, अरे ले 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 ले, क्या क्या हो रहा है? अरे ले, बाबूजी आप अपनी बेटी और बेटी की बेटी के साथ खेलिए, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटे जल्दी आना। बस बाबूजी मैं यू गया और मैं यू आया। क्या यू गया और यू आया, मैं पागल? क्या है? मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरे बाप कैमरा लेके आए, वो चाहते हैं अपने पोते के साथ फोटो निकलवाएं। अबे तूने बेटा पैदा किया कि सचिन तेंदुलकर पैदा किया है? अपने माँ बाप के साथ फोटो खिंचवा कर टीवी पर रखने वाला है क्या? अरे जाकर मना कर दे उनको। क्या मना कर दूं यार, पागल हो गया तू? कितने दिनों बाद उन्होंने हेमा को बहू माना है। बात करता है, प्लीज समझा करना मेरे यार, बच्चे को लेके मेरे बाप। यार इस आवन जावन से मैं पागल हो जाऊंगा। बीते बोल बोल बात कर, बोले पाया लिया, मैं पागल हो गया। चुप कर। कुदरत का करिश्मा हो गया इस घर में। अरे मेरा सचिन तेंदुलकर, कैसे कैसे मैच खेलने पड़ रहे हैं। हाँ मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं तेरा। आजा आजा दूसरे पिच में चलते, आजा 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 आजा। डैडी आजकल भरत कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। जब से बेटा पैदा हुआ ना, ये खुशी से पागल हो गया है। ओ अच्छा। ये ले भाई, ये ले तेरा सचिन तेंदुलकर। क्या क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं लाइफ में, मेरा दिल ही जानता है। मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं तेरा, जा। ये भी आ गए, इसको यहाँ रखा हुआ, इसको यहाँ रखा हुआ, बच्चा वहां, एक अंदर है, इसको कहाँ रखूं? पिछले चार पांच दिनों से खुशी खुशियां मना। अरे समझी जी आइए आइए, हम आपकी बात कर रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। जी नहीं, ये जगह हम जैसे इज्जतदार लोगों के बैठने के लायक नहीं है। बच्चे को देख के फौरन यहाँ से चले जाएंगे। आओ बेटी। आइए आइए कड़क जी, मेरा मतलब अंकल जी, आइए आइए। लेकिन बच्चे को देखने के लिए अंदर आने की तकलीफ क्यों उठा रहे? मैं अपने बेटे को बाहर लेके आता हूँ ना। तुम्हें लाने की जरूरत नहीं, हम खुद चल के बच्चे के पास चले जाएंगे।
यही हमारी रीति रिवाज है। लेकिन अंकल अंकल जी आइए 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 अंदर आइए 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 आ गए। नमस्कार। अच्छा तो आप लोग भी यही हैं। आइए। आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं बेटे। ये बाबूजी मेरा नाम है रमाकांत सिन्हा और ये है मेरी मजली, ये है मेरी बेटी उषा। भरत का जो बड़ा भाई लक्ष्मण है उसी से इसकी शादी हुई है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी भाभी है। हाँ क्या कमाल। ये दोनों इसकी बच्चियां हैं। बाकी की दो जुड़वा मेरे घर पर है। देखिए ना पिताजी। भरत तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा। अरे भाई बेटा नहीं बेटी। बेटी। हाँ। लेकिन लक्ष्मण ने तो कहा था कि बेटा पैदा हुआ। हाँ, हाँ। उन्होंने ये भी बताया कि बेटे का नाम कृष्णा रखा है। तो कृष्णा ही तो है। लगता लच्छू भैया ने इनको सब कुछ बता दिया। अरे कृष्णा ही तो है। कृष्णा माय बेबी दरअसल क्या है ना बाबू जी, परसों से हमारे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हम लोग बेटी को बेटा कहकर पुकार रहे हैं। अरे मुन्ने ने सुसु कर दिया। ओ सुसु कर दिया। सुसु मैं चड्डी बदल देती हूँ। अरे नहीं 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 भाभी ऐसा मत करना। क्यों? क्या है ना भाभी किसको नंगा रहना पसंद नहीं है। मेरा बच्चा है ना एकदम मुझ पर गया है। मुझे भी नंगा रहना पसंद नहीं है। बेटे ये गीले कपड़ों में रहेगा तो दाने निकल आएंगे। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं इसकी चड्डी बदल लेता हूँ। अरे बेटे औरतों का काम तुम करोगे, सावित्री को दे दो ये बदल दे। अरे बाबूजी बच्चा मेरा है, चड्डी मैं ही बदलूंगा। नमस्ते। नमस्ते। कब आए आप? अभी थोड़ी देर हो गई, आप दिखाई नहीं दी। कहाँ थी? अपने कमरे में थी, जरा सिर दर्द हो रहा था। आप बाहर आई हैं, दूसरों को सर दर्द शुरू हो जाएगा। पिताजी आप चुप रहिए ना। अरे मना 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 अरे बोला मना 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 मना। अरे छोटे तू वहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ मम्मी। अरे इसका पागलपन तो देखिए, बच्चे की चड्डी भी नहीं बदलने देता। ला मुझे दे मैं बदल देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी मैं बदलूंगा। अच्छा कौन बदलेगा? मम्मी बदलेगी, दादी बदलेगी कि पापा बदलेगा? पापा बदलेगा। ओ पापा बदलेगा, पापा बदलेगा। अरे भागो मोहन प्यारे भागो, इधर से भी भागो। अरे भागो भागो। अबे मल्लू जल्दी से मुन्ना को लेकर आ। क्या अबे डेंजर डेंजर ठहरा दो। मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना। हे दिल की धड़कन है तू ही मेरा जीवन है तू ही घर में ये चांद नया रोशन हुआ। दिल की धड़कन है तू ही मेरा जीवन है तू ही घर में ये चांद नया रोशन हुआ। ये दिल कुर्बान है सबकी तू जान है मुखड़ा ये प्यारा लू चूम 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 चूम। तू मेरी लाडली है कलियों में वो कली है जिससे गुलजार सारा आंगन हुआ। ये दिल कुर्बान है सबकी तू जान है मुखड़ा ये प्यारा चूम 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 चूम। अरे मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना अले ले 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 मुन्नी मुन्नी मेरी मुन्नी मुन्नी मेरी मुन्नी मुन्नी मेरी मुन्नी। चेहरा गुलाब है दिखता नवाब है अखियों का ख्वाब है तू लाजवाब है। सूरत में मोहिनी दिखती है सोहिनी हंसती है तो लगे बिखरी है चांदनी। तू घर की शान है मेरा
झगड़ा ये प्यारा लू चूं 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 चूं। दिल की धड़कन है तू ही मेरा जीवन है तू ही घर में ये चांद नया रोशन हुआ। तू मेरी लाडली है कलियों में वो कली है जिससे गुलजार सारा आंगन हुआ। किनकारी ये तेरी कोयल का बोल है चांदी सोना नहीं तू तो अनमोल है। तू कुल की जोत है तू कुल की लाज है राजा बेटा मेरा मेरा सरताज है। बेटी है लक्ष्मी अब हमको क्या कमी मुखड़ा ये प्यारा लू चूम 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 चूम। दिल की धड़कन है तू ही मेरा जीवन है तू ही घर में ये चांद नया रोशन हुआ। तू मेरी लाडली है कलियों में वो कली है जिससे गुलजार सारा आंगन हुआ। ये दिल कुर्बान है सबकी तू जान है मुखड़ा ये प्यारा लू चूम 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 चूम। राम भाई आप मैंने प्रिया को चोरी छुपे मुलायम के रूम में जाते हुए देखा। अरे हाँ हा? मैंने भी हेमा को भरत के रूम में कपड़े बदलते हुए देखा। आपने भी देखा? ओ, ची, हम लोग अगर फॉरेन में रह रहे होते तो कोई बात नहीं थी, वहाँ तो बीवियों की अदला बदली चलती रहती है, लेकिन हमारे भारत जैसे देश में, वो भी हमारे खानदान में, हाँ किसकी इज्जत का डंका सारे मोहल्ले में बजता है। भैया कलियुग आ गया है, कलियुग नहीं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है भैया, मैं चला मरने। ए, रुक, 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 रुक। सुन, तेरे मरने से कलियुग सतयुग में नहीं बदल जाएगा। नहीं बदलेगा? नहीं, तू मरना कैंसर। भैया वो देखो राम भैया, प्रिया तो मुलायम के रूम में चली गई। हाँ, इसका मतलब हेमा भरत के रूम में होगी। जाकर मम्मी को बता देते हाँ। और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते। चलो आइए मम्मी। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? आइए तो सही, जाना कहाँ है? अरे हमारे साथ भरत के कमरे तक तो चलिए ना। वहाँ चलोगी तभी तो पता चलेगा ना आपको। हेमा हेमा, ओह आई एम सॉरी, बच्चे को जल्दी से पालने में रख दो, माँ आ रही है। आइए, क्या करना जा रहे हो तुम लोग? देखिए ये देखिए, इससे पूछिए ये यहाँ हाँ, क्या कर रही है, पूछिए। हाँ हेमा, तू यहाँ क्या कर रही है? बच्चे को संभाल रही हूँ माँ जी। क्यों, प्रिया कहाँ है? पूछो पूछो, प्रिया कहाँ है? है प्रिया? नारी नारी है, नारी है, नारी है। प्रिया नहाने गई है, नहाने गई है माँ जी। झूठ झूठ बोल रही है ये, झूठ। प्रिया 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 प्रिया, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। अरे तू जल्दी आ तो सही, जल्दी से बाथरूम में घुस जा हाँ, और अपने बाल ना गीले कर लेना हाँ, और जैसे राम और लखन भैया दरवाजा खटखटाना जोर जोर से चिल्लाना ओके हाँ। आ जा जा, घुसा घुसा आ जाने दो दोनों को, दोनों बहुत होशियारी मारते हैं ना, आज दोनों को देख लेता हूँ मैं। आइए आइए, अभी पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। आइए। हेमा झूठ बोल रही थी, मैं अभी अभी यहाँ से गुजरा था तो बाथरूम में प्रिया नहीं थी। अरे तो दिखा देना। अरे दिखाता हूँ ना, डरता हूँ क्या? कौन है अंदर? कौन है, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या चाहिए? मैं नहा रही हूँ। नहा रही? प्रिया क्या हो गया, क्या हो गया? मम्मी भैया आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिया क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चला रही थी डरावनी आवाज़ में? मैं नहा रही थी और जेठ जी दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या? राम राम राम, छी छी छी, क्या जमाना आ गया। देखा मम्मी, अब तो इस घर में बहुओं को नहाना भी मुश्किल हो गया है। ये ऐसे ऐसे भाई मिले हैं मुझे। बहू नहाती कैसे है, ये दिखाने लाया था? नहीं नहीं मम्मी,
शर्म नहीं आती तुम लोग को ऐसी हरकत करते हो? खबरदार जो भी दिखे तो। मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा था, प्रिया वहाँ नहीं थी। कमाल करता है यार, एक तो बीवी की अदला बदली करता है, ऊपर से मम्मी को हमारे खिलाफ भड़काता है, थप्पड़ भी खिलवाता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने के बाद में तू चल। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं जानती हूँ क्यों जलते हैं तुझसे। क्यों? तुझे बेटा हुआ है ना, इसलिए। ओ ठहरो 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 ठहरो, अब मेरी समझ में आया, आप लोग मुझे मस्का मार रहे हो, जरूर आपको कोई काम है। बोलो क्या काम है? किसी को बताएगा तो नहीं, इस घर में अदला बदली का खेल चल रहा है, और हमें इस खेल का भांडा फोड़ना है, दुश्मन को रंगे हाथों पकड़ना है, इसलिए हमें तुम्हारी आंखें चाहिए। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी आंखें। तुम लोग मिठाई खिलाकर मुझे अंधा बना रहे हो, ले जाओ अपनी मिठाई को। अरे वाह, आज मेरी आंखें मांग रहे हो, कल मेरी किडनी मांगोगे? पागल है क्या हम लोग? तेरी किडनी लेके क्या करेंगे अबे गधे? हम तेरी आंखें नहीं, आंखों से पहरेदारी चाहते हैं। बोलो कहाँ करनी है पहरेदारी? अपने ही घर में। हाँ, तुम्हें ये देखना है घर से बाहर कौन जाता है और बाहर से अंदर कौन आता है। थाली की अदली बदली करते हुए अगर कोई उन्हें देख ले, वो तो खून की उल्टियां करते करते मर ही जाए। बच्चा लाल का बच्चा बाप बनने के लिए आगे बढ़ा था, अभी देखा सुबह तक खड़ा नहीं होगा साला। थके हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा लाल। बच्चा लाल, बच्चा लाल, बच्चा लाल, बच्चा कहाँ गए? अरे बच्चा लाल, लगता है मिठाई खा के मर गया। बच्चा लाल, ए बच्चा, क्या ए बच्चा, बच्चा हम राम भैया, लक्ष्मी भैया, आप, मैंने रात को देख लिया। देख लिया हाँ, देख लिया। देख बच्चा, तूने जो कुछ भी देखा है हमें साफ साफ बता दे। क्या? और यही बात मम्मी को भी बता देना। बता दूंगा। मैंने साफ साफ देखा कि रात में दो गंधर्व हाथ में थाली लिए अदला बदली कर रहे थे, फिर अचानक वहां पर धुआं उठा, आग के लपटे लप लपाई, और मैं बेहोश हो गया। राम भैया, ये गधा क्या बकरा है? लच्छू, गधा ये नहीं है, गधे हैं हम, जो हमने इसे ये काम सौंपा। ठीक ठीक है, आइंदा आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ना, फिर आपको देख लूंगा। क्या हुआ बहू? मुन्ना रो क्यों रहा है? मालूम नहीं माँ जी, बहुत रोए जा रहा है। अरे शायद भूख लगी होगी, दूध पिला दे। अभी तो दूध पिलाया माँ जी। अरे ला दे तो। अले अले नहीं बाबा, नील होने का नहीं, लगता है किसी की नजर लग गई इसे। का हो गया मेरे बच्चे को? वहाँ का नहीं बिच्छू, नहीं लोने का नहीं। माँ जी क्या हुआ मुन्ने को? पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बहुत रो रहा है। बच बच माँ जी, मैं देखूं क्या? देख तो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ इसे? अले ले मेरा मुन्ना, चुप हो जा। ओ चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा राजा बेटा। पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं उसके पेट में तो नहीं दर्द हो रहा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो? शुक्र है भैया। भैया कुछ पकड़ में आया? अभी तक तो तेरी पकड़ में मेरा हाथ आया, मेरी पकड़ में कुछ नहीं आया। क्या है? बात हाथ की नहीं है तो? बात बात की है। अच्छा, ए माँ आई? आई, बच्चे को कमरे में ले गई। गई? बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। क्यों? कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा? कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा यार? क्या क्या भैया, आप भी बात कान में बतानी होगी। किसके? हाँ मेरे 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 कान में। लेकिन हेमा को ये सब करने की क्या जरूरत थी? यही तो पता लगाना है।
ये मेल मेल ये मेल प्रिया भटनागर फीमेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। अपना शक सही निकला है, हेमा को लड़का हुआ है और प्रिया को लड़की। बस इतना ही काफी है भरत की अयोध्या में आग लगाने के लिए। तो क्या जाते के साथ ही मम्मी को बता दे? सिर्फ बताना ही नहीं, भरत और मुलायम को नचाना भी है। चल अबे ओ भरत के 1 करोड़ रुपए के लॉटरी के टिकट तू यहाँ आराम से लेता है और हम ठहर। राम भैया कितना छोटा बच्चा है, इतने जोर से क्यों नोचा? देखो कितना रो रहा है। अरे अगर बच्चा जोर से रोएगा नहीं तो हेमा कैसे आएगी, और जब हेमा नहीं आएगी तो हम माँ के सामने राज कैसे खोलेंगे? अरे रे रोमन रोमन, अरे मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, ना 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 ना, नहीं रोते नहीं रोते बेटा, क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ? मम्मी डैडी आप लोग आइए, आइए 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 आइए, दिखाना मुझे बहुत कुछ दिखाना, आइए आइए, चुप करके देखिएगा, देखिए लोग मेरे बेडरूम में झांक रहे हैं। लच्छू राम ये क्या हो रहा है? नहीं हम लोग ये खिड़की को पेड़ कौन सा लगा ये सोच रहे थे। नहीं ये चुप करो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? बेशर्मा भाभी के कमरे में झांकते हो, भाभी के कमरे में? हाँ दोबारा मैंने फिर कभी देखा तो तुम सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या है? ये भरत है ना, ये भरत तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तू समझ रही है ना? हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है वो गलत है, एक्चुअली हमारे घर में लड़का पैदा हुआ अच्छी नहीं है। क्या हुआ इन्हें? तुम्हारा मतलब है हमारे घर में जो है वो लड़की है? नहीं नहीं वो लड़का ही है, लेकिन वो भरत और प्रिया का नहीं है, मुलायम और हेमा का है। व्हाट नॉनसेंस, क्या आराम चला बाकी जा रहे हैं आप लोग दोनों? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर ढोंगी, हम अस्पताल से सब कुछ पता कर कर आए हैं। मम्मी ये लोग दोनों मुझसे जलते हैं ना, इसलिए दुनिया भर की कहानियां बना रहे हैं। नहीं मम्मी मैं साबित कर सकता हूँ। हाँ जाओ जाओ यहाँ से। आ रही है, हमारी बात पर किसी को भरोसा नहीं है ना, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। प्रिया क्या हुआ मुन्नी को? पता नहीं बहुत रो रहा है, ला मैं देखती हूँ। हेलो बच्चे को हाथ नहीं लगाना, ये हमारे घर का बच्चा है, तुम्हें इससे क्या लेने देना है? बच्चा किसी का भी हो उसे चुप तो कराना चाहिए ना। उसे चुप कराने के लिए घर की सारी फौज खड़ी है, तुम जाओ यहाँ से। ये हमारा भतीजा है, अगर ये रोता है तो इसे रोने दो, इसे हम संभालेंगे, अब जाओ यहाँ से। अभी तो आपकी समझ में आया ना, अब मैं आपको आपकी पोती से मिलवाता हूं। राम भैया क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये भरत की बेटी है, तुम्हारा सब नाटक मुझे मालूम हो गया। क्या कर रहे हैं आप? चल हट। अरे मम्मी, बात सुनिए मम्मी। अरे सुनिए मम्मी। अरे क्या है मम्मी? मम्मी 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 मम्मी, ये रही तुम्हारी पोती, ये लो। हटा इस मनहूस को। मेरे बच्चे, ये गुड़िया मेरी पोती है। ये गुड़िया वो चंपा 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 चंपा, बच्चा कहाँ? बच्चा बच्चा पालने में? पालने में नहीं है। मल्लू मल्लू मेरी बेटी का, मल्लू बोल रहा कहाँ है मेरी बेटी?
कहीं तुम्हारे भाई ने तो भैया मेरी बेटी कहाँ है? मुझसे क्या पूछता है, वहीं पे होगी। भैया मेरा हाथ उठ जाएगा, मुझे सीधी तरह से बता दो मेरी बेटी कहाँ है। अरे मुझे क्या मालूम है, जाके ढूंढ लेना। भैया बता दीजिए वरना। भारत, छोड़ दे इसे। इतने दिनों से हम सबको बेवकूफ बनाता रहा, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? किसकी अकल थी ये नाटक खेलने की, तेरी या तेरी बीवी की? क्या ये चिट्ठी है? चिट्ठी पढ़ा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही पुलिस में खबर करना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। आपकी बेटी कौन सकता है? मनु, तेरे घर में फोन की घंटी बज रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? रघुवीर यादव नाम है मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो चाहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इस वक्त मेरे कब्जे में है। बच्चे तुम्हारे कब्जे में? हराम दादे, वो मेरा बच्चा है। तुम कौन हो? मैं भरत भटनागर बोल रहा हूँ, और अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार लूंगा। हेलो हेलो छुरा। हुक्म कीजिए सेठ जी। तुम जिस बच्चे को उठाकर लेकर आए हो वो उस जासूस का नहीं है, उसके दोस्त का है। You're wrong. तलवार सिंह छुरे ने खुद उस जासूस के घर से उस बच्चे को किडनैप किया है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, यही हुआ है। अगर तुम उस जासूस के बच्चे को उठाकर नहीं लाए तो मैं तेरा सर काम कर दूंगा। सेठ जी, आपको मालूम है मैं सर अलग टाइप का आदमी हूं। जाओ। ओके ओके ओके। अरे क्या करें, सब लोग बच्ची को ढूंढ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पुलिस की मदद से बच्ची को ढूंढा जाए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, इस घर से उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, उधर बच्ची की जान खतरे में। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो उसे मार डालेंगे, यही ना? वैसे भी वो इस घर में रहने के काबिल नहीं थी, मर ही जाए तो अच्छा है। गाय जैसा मेरा बेटा था, उसे भी बिगाड़ के रख दिया। सत्यानाश जाए उसका, अरे ऐसे कीड़े पड़ेंगे। क्या कहा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने भिजवा दीजिए। पागल ये नहीं, पागल तुम हो गई हो, पागल खाने तुम्हें भेज देना चाहिए। पिताजी देखा आपने, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। शाबाश बेटा, आज बना है तू मर्द, अब जवाई बना है मेरा, जीते रहो। आज तक इस घर में मैं सर झुकाकर जीता रहा ताकि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन तुमने तो मुझे नामर्द ही बना दिया था। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जो आदमी सर झुका लेता है वो नामर्द नहीं हो जाता। भरत और प्रिया ने कोई गलत काम नहीं किया, कसूरवार तो मैं हूं। अस्पताल में जब मैंने भरत के हाथ में उस बच्चे को देखा तो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसके हाथों से उस बच्चे को छीन लिया, ये भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। तुम्हारी जिंदगी तो बच गई, लेकिन
इन बेचारों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। मैं पूछता हूं क्या फर्क है बेटा और बेटी में? आजकल के युग में बेटियों को बोझ नहीं माना जाता। वो मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती? दुनिया की तुम पहली औरत हो जिसे औरत जात से नफरत है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। अरे बेवकूफ, आज मैं तुझे बताता हूं बेटा और बेटी में क्या फर्क होता है। सन इज द सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, डॉटर इज द डॉटर टिल द एंड ऑफ लाइफ। बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, बेटी जिंदगी भर बेटी रहती है। आजकल के युग में बेटियों को बोझ नहीं माना जाता। वो मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती? दुनिया की तुम पहली औरत हो जिसे औरत जात से नफरत है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। चुप, रोया तो दांत तोड़ दूंगा। मैं जरा अलग टाइप का अंकल हूं। अबे छोरा, ये क्या किया तूने? इतने सारे बच्चे क्यों उठा के लेके आया? सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं जरा अलग टाइप का आदमी हूं। अब तलवार सिंह छुरा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। मैं खुद पता कर लूंगा कि इन बच्चों में जासूस का बच्चा कौन सा है। अच्छा, इन बच्चों को पूछकर बताएगा? नहीं सेठ जी, मेरे पास एक बच्चा और है। ए, बच्चे को लेकर आओ। चुप, दांत तोड़ दूंगा। चल बताओ उस जासूस का बच्चा कौन सा है? पालने में है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कौन सा है? बताता हूँ, बताता हूँ। ये 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 झूठ बोला, नाक काट दूंगा। ये नहीं है, ये उधर उधर। ये है, ये ठीक से देख। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। बंद कर दो डांबर खोली में। कब से कह रहा हूँ पुलिस में कंप्लेंट करो, मेरा कोई सुनता ही नहीं। करूँ तो क्या करूँ? देखो छोटा गया ढूंढने, वो ढूंढ कर लाएगा। धीरज रखो, बच्चे मिल जाएंगे। सेठ जी, अब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब तक हमें ये पता नहीं चला है कि इनमें से जासूस का बच्चा कौन सा है, लेकिन मेरे पास एक पैंतरा है। क्या? हमारे पास एक बच्चा और है, यानी कि बच्चा लाल। हम उस बच्चा लाल को यहाँ से फरार होने का मौका देंगे। वो जाएगा अपने घर और इन बच्चों के बापों को अपने साथ यहाँ लेकर आएगा। फिर हम चुप जाएंगे। जब वो अपने अपने बच्चों को उठा रहे होंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनमें जासूस का बच्चा कौन सा है। कैसी रही तलवार सिंह छुरा की धार, यानी कि आइडिया? राम भैया, राम भैया, लच्छू भैया, बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? मुझे मालूम है बच्चे कहाँ हैं। बच्चे मुझे मालूम है। आइए मेरे साथ। चलो चलो। सेठ जी, सेठ जी, सब लोग आ गए। सेठ जी, देखा मेरे कमाल का आइडिया? हे बॉयज, कम ऑन, छुप जाओ। ये क्या हो रहा है छुरा भाई? ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह? हाँ। तो फिर मैं अभिमन्यु बन के इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मर गया था। चलो चलो, रुक जाओ। तुम सब लोगों को अपने अपने बच्चे मिल गए। चलो 9-2-11 हो जाओ यहाँ से, चलो। लेकिन ये जासूस यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर किसी ने भी इस जासूस को बचाने की कोशिश की तो ये छुरा एक एक पेट में घुसर दूंगा। ए जासूस, तू हिलना नहीं। ब्लैक शर्ट, चल तू निकल। हाँ हाँ, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। मैं, अबे चल ना, अपना काम कर। हम लोग अपना बच्चा बचाएंगे, तुझे बचाएंगे। चल 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 चलो। साला, तू क्या समझता था बच्चों की अदला बदली करके तू मुझे चूना लगाएगा? अरे मेरा नाम रघुवीर यादव है, यादव। ला बच्चा ला। नहीं दूंगा।
मैं कहता हूँ बच्चा ला। अरे छोड़, ये तो गुड़िया है, मेरे साथ धोखा। पकड़ो उन सबको, कोई भागने ना पाए, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। राम भैया आप बच्चों को लेकर चलिए, मैं मल्लू को देखता हूँ। हाँ क्यों? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो सोच। लबड़ा लबड़ा लबड़ा, अब सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गया। मैं वहां क्या खा रहे हो? करमचंद जासूस गाजर खाता था, मैं मुलायम चंद जासूस हूँ, मूली खाता हूँ, घुसेड़ता भी हूँ। अभी तो मैंने मुंह में घुसेड़ा है, आइंदा मेरे को मिला ना तो मेरा धर्म भ्रष्ट मत करना, समझे? इसमें कौन था? मैं। तू था? ऊपर से माइकल कट और अंदर से सफा चट। डैडी गोली मारो इसको। नहीं, इस जोकर के लिए मैं गोली जाया नहीं करूंगा, इसको मैं आगे से नहीं पीछे से मारूंगा। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, मेरे जासूस नंबर। चलो 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 जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। दुर्गा देखो सब बच्चे आ गए। और चलो चलो शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 शाबाश चलो चलो। क्या बात है बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो गए? चलो तुम भी अंदर चलो। नहीं डैडी, अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? मम्मी को पोता चाहिए था ना, और हम लोग उन्हें पोता नहीं दे सके, और वैसे भी जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं हो, अब हम दोनों वहां नहीं रहना चाहते। बस बेटा बस, मुझे और शर्मिंदा मत कर, मैं अपने किए पर पछता रही हूं। मैं तेरे पास मम्मी हूं। क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे।
आज से मेरी ये गुड़िया अपनी दादी के साथ रहेगी। राम भैया, शोभा भाभी घर के पिछवाड़े उल्टियां कर रही है। क्या? हाँ। लगता है भगवान ने मेरी अपील सुन ली। मम्मी, इस बार जरूर लड़का होगा। लड़का हो या लड़की, अब मेरे लिए दोनों बराबर है। मुझे पता चल गया है कि बेटी नंबर वन होती है। अरे ये हुई ना बात। महफिल ता सज दीजे नचे मुंडे दी माँ, महफिल ता सज दीजे नचे मुंडे दी माँ। Oh man!